Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and I welcome you to today's Maha Marathon that is Das Kadam UGC Khatam. So, this is last from the entire team of Anu Jindal. The team has been putting up a lot of efforts, and this is the last try from my side. Of course, I'll be uh, doing the mock sessions, I'll be doing the numerical sessions, which are pending. Hai I'll also be taking you towards one current affairs session, also. But for paper 2, commerce and management, this is शन वे गोइंग टू डिस्कस टू हंड्रेड एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम योर इंटायर टेन यूनिट इंटायर टेन यूनिट से हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन डिस्कस करें एंड आई एम वेरी श्योर की अगर आज आपका स्कोर अच्छा बनता है यू आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्सर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन यू आर सर्टनली गोइंग टू क्रैक योर नेट जे आर एफ फॉर श्योर और ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज व नॉट बॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन जैसे कि जनरली सेशन में होता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं द सेशन इज ऑफ इजी टू मॉडरेट लेवल उसके दो रीजन है पहला रीजन ये है कि सिंस योर एग्जाम्स आर वेरी नियर इट्स इंपॉर्टेंट डेट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस की आप क्वेश्चन अपियर कर सकें अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो क्वेश्चन अपियर नहीं कर पाओगे सेकेंड पार्ट इज इट्स इंपॉर्टेंट कि जब हम तैयारी आगे करना शुरू कर देते हैं तो वॉट हैपन की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर कर लेते हैं एंड वी मिस ऑन टू द इजी टॉपिक्स ठीक है सो so, इसलिए मैंने इजी टू मॉडर्ट लेवल क्वेश्चन रखे हैं एंड आई एम वेरी श्योर यू गोना लाइक इट इफ यू ऑल आर रेडी जस्ट गिव मी अ थम्स अप एक बार जल्दी से थम्स अप दे दीजिए दैट वेदर आई एम प्रोपरली ऑडिबल ऑल क्लियर टू यू और नॉट एंड देन वी आर गोइंग टू क्विकली बिगिन बिगन सेशन सेशन थोड़ा सा जल्दी होगा थोड़ा सा स्पीड तेज रखी जाएगी बट आई एम वेरी श्योर कि आप उसके आंसर्स कर पाएंगे फ्री बर्ड ऐसा नहीं है कि बाउंसर्स नहीं होंगे बिल्कुल बाउंसर्स होंगे गए बाउंसर्स की मात्रा थोड़ी सी कम होगी बिकॉज कॉन्फिडेंस भी हाई रखना स्टूडेंट्स का बहुत बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले ठीक है चलो नाउ विदाउट टेकिंग मच टाइम ऑफ योर्स ठीक है लेट्स बिगिन विद द सेशन बीच बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक लेते रहेंगे ठीक है सो दैट वी आर एबल टू कीप दैट पेस आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले पाए वरना क्या होगा कि आप भी टायर्ड हो जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा एंड देन क्वेश्चन गलत होने शुरू हो जाएंगे ठीक है चलो इफ यू कमिंग गर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ यू नॉट ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप डू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप बहुत ही एक्टिव कर रखा है स्टूडेंट्स ने आई एम रियली लाइकिंग इट हो रहे हैं उस पे, तो आपको भी उसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है ठीक है चलो लेट्स बिगिन अब मैंने इसको आज सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया है फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग ताकि आपको ये भी पता चले कि सर सेशंस में कहां कहां क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से गलत हो रहे हैं तो वो भी आपको पता चलता रहे ठीक है चलो लेट्स बिगिन विद द इकोनॉमिक्स पार्ट ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगता रहे कोशिश करिए मैंने कि क्वेश्चन अप ना करूं मैं बट एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं ठीक है चलो वेरी गुड इवनिंग एवरी वन आई ऑल माई गुड विशेष टू ऑल लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी शोज विथ सिचुएशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ध्यान रखिए टोटल यूटिलिटी पे क्वेश्चन है बट इनडायरेक्टली पूछा गया है कि अगर फॉलोइंग दिखा रहा है टोटल यूटिलिटी का लेट से दिस इज द पोर्शन इजन डज इट रिप्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू मार्जिनल यूटिलिटी कर्व राइजिंग मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी और नन ऑफ दीज वेरी इजी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे कि मैंने कहा इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होंगे बट यू गोना लव इट यू कैनो इंजॉय लॉट ऑफ क्वेश्चन ठीक है जल्दी से आंसर दीजिएगा स्पीड थोड़ी सी मुझे तेज रखनी होगी आंसर इज गोइंग टू बी थर्ड ठीक है क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम पचास क्वेश्चन एक घंटे में नहीं कवर कर पाए तो मैं चार घंटे में दो सो क्वेश्चन नहीं कवर कर पाऊंगा एंड हमें भी अपनी स्पीड प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम रिलेटेड टाइमिंग के हिसाब से ही हम प्रैक्टिस कर सकें ठीक है चल लेट मूव टू द सेकंड क्वेश्चन फिजिकल पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी रिलेटिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंगशन एलिमेंट ठीक है किस एलिमेंट से रिलेट करता है फिजिकल पॉलिसी टैक्सेशन से पब्लिक एक्सपेंडिचर से पब्लिक डेट से ऑल ऑफ दिस प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको टॉपिक्स रिपीटेड लगे बट उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्वेस्ट जरूर होगा छोटे मोटे ट्वेस्ट डाले हुए होंगे फ्री बर्ट 200 सौ को मैंने सब्जेक्ट वाइज में डिवाइड कर दिया यूनिट वाइज में ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप कौन सेक्शन में वीक है अदरवाइज आपको आइडिया नहीं लग पाएगा मैराथन का पर्पज यही है कि आप लास्ट के चार पांच दिनों में उन एरियाज को थोड़ा सा इंप्रूव कर पाए जहां पे स्कोप ऑफ एर है

कि वी हैव मोर देन स्टूडेंट्स अगर सेशन पसंद आए एफर्ट भाई सर हमारे लिए घंटे एफर्ट डाल रहे हैं ठीक है ताकि हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके लगे कि मेरे पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चलो लेट सी वट आर आंसर्स कमिंग एब्सोल्युटली करेक्ट बिल्कुल सही है ये ठीक है कंज्यूमिंग टू गुड्स दो गुड्स कंज्यूम कर इन इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटीज फ्रॉम बोथ गुड्स आर इन विच ऑफ बिलो में कौन सी सिचुएशन में है जब उसको इक्लिब्रियम मिलेगा इफ ए कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू गुड मैक्सिमम पॉसिबल पॉसिबल पॉजिटिव इक्वल या फिर जीरो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल बीवल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ठीक है ये हमें बताना है आई रिक्वेस्ट माई डियर स्टूडेंट्स की प्लीज एक बार टेलीग्राम ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दीजिए दट द सेशन स्टार्टेड इट्स वाइज सेशन सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दरअस ऑल्सो ठीक है थर्ड इज एप्सोल्यूटली करेक्ट मार्जिनिटी दोनों की इक्वल होगी जहां पर दैट इज गोइंग टू बी द इक्वलिब्रियम कंडीशन फॉर अ डिक्लाइन इन प्राइस प्राइस डिक्लाइन हो रहा है प्लीज ध्यान रखिएगा उस दिन भी एक क्वेश्चन आप लोग का फंस गया था प्राइस इज गेटिंग डिक्लाइन टोटल रेवेन्यू इज इनक्रीजिंग इफ डिमांड इज डिमांड कैसी होनी चाहिए

को लगता है कि स्टूडेंट्स हैं आपकी जिनकी आप मदद करना चाहते हैं तो यू कैन शेयर इट ठीक है इलास्टिक हो जाएगा बिकॉज इलास्टिक होगा तो ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा एंड अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा तभी टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगी ठीक है चलो वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट नाउ अजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इक्वल टू क्वालिटी सप्लाइड ठीक है ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया क्म इज दंडीशन वंस डिटर टेंस टू परसिस्ट इन टाइम काफी टाइम तक यह सिचुएशन बनी रहती है ठीक है तो यह हमारे दोनों करेक्ट आंसर कौन इसका सही जवाब देता एक मैं छोटी सी चीज आपसे और शेयर करना चाहता हूँ ये जो मैराथन सेशन है ना ये आपको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा मेरा सब्जेक्ट वीक है बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल मिक्स सब्जेक्ट है मैंने उनको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है सेक्शन कट ऑफ के फॉर्म में तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है

क्या रीजन था वट वॉज द रीजन जिसकी वजह से एडवांस इकोनॉमीज में डेवलप्ड इकोनॉमीज में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी हुई थी लैक ऑफ सप्लाई डिफिशियंसीड ठीक है बिजनेस साइकिल लैक ऑफ बोथ डिमांड एंड सप्लाई चलिए जल्दी से जवाब दीजिए वॉट यू थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर यस मोनिका आर इज राइट इसीलिए हमने सेकेंड ऑप्शन चूज किया है बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ठीक है चलो लेट्स सी द सेकेंड सेवेंथ क्वेश्चन डिफिशियंस ऑफ इफेक्टिव डिमांड दिस इज डिमांडली करेक्ट वहां पर डिमांड नहीं थी ठीक है वो स्किल्स तो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे बट जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में तो आप क्या कर लेंगे ठीक है ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के बारे में बात हो रही है अगर पहली ऑर्डर कंडीशन के बारे में बात करें तो क्या होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की टी आर माइनस टीसी एम आर इज इक्वल टू एमसी फोर ऑप्शन फर्स्ट कंडीशन पूछी हुई है प्लीज रीड करिएगा क्वेश्चन को ध्यान से ठीक है लेट सी हुआ बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं करेक्ट आंसर इज सेकेंड एम आर इकल्स टू एमसी ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है सेकंड क्या है एम आर कट एमसी फ्रॉम बिलो ठीक है

जो मनी कॉस्ट होती है उनको हम क्या कहते हैं आर द एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर द द रियल कॉस्ट और नॉन ऑफ ठीक है जो मनी कॉस्ट होती है जिनको हम मॉनिटरी कॉस्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं वेरी इजी क्वेश्चन यस मौसमी दैट इज गोइंग टू बी द सेकेंड कंडीशन एमसी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो वेरी गुड मौसमी लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस

क्लैरिटी ऑफ प्रिफरेंसिस नाइट वेरीज अकॉर्डिंग टू द दिचुएशन जनरली अगर आप इकोनॉमिक वैल्यू एडिट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप दोनों को लेंगे अगर आप इंप्लिसिट कॉस्ट की बात कर रहे हैं एंड योर कैलकुलेटिंग द एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो आप दोनों को कंसिडर करेंगे इफ यूर कैलकुलेटिंग जिसको हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं ठीक है इफ यू आर कैलकुलेटिंग इकोनॉमिक कॉस्ट देन बोथ इंप्लीसिड एंड एक्सप्लिसिट वुड बी इंक्लूडेड अगर आप अकाउंटिंग कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं देन यू आर ओनली गोइंग टू इंक्लूड एक्सप्लिसिट एंड नॉट ठीक है लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव पोजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन तो ये हमारे ऑप्शन है लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर ध्यान से बिल्कुल पढ़िएगा बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये तो पार्ट हो ही नहीं सकता ठीक है व्हाई बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ यर प्रोडक्शन नॉट कंज्यूमर यह कंज्यूमर का पार्ट नहीं है ये प्रोडक्शन का पार्ट आता है ठीक है सो दया फोर हमें पता चल गया कि दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ठीक है नाउ इफ यू रीड क्लियरली पॉजिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन रैशनल डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन का होना तो जरूरी है ना सो ए कैन नॉट बी द आंसर सो फोर्थ इज गोइंग टू बी द आंसर तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज करिए प्लीज बिना एलिमिनेशन मेथड के आगे मत जाइए ठीक है यूज द एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो ठीक है आई होप दिस इज क्लियर लेट्स मूव अह टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विच ऑफ कॉम्बिनेशन जो मैनेजीरियल इकोनॉमिकॉर करता है प्रोडक्शन बिहेवियर एंड कॉस्ट एस इनपुट रिवॉर्ड एनालिस एंडिजन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एनालिसिस ठीक है वेरी गुड आफ्टरनून किरण ग्लैड डेट यू हैव ज्वाइन असर ठीक है, uh, है? चलिए जल्दी से बताइए मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स किन किन चीजों को इंक्लूड करेगा <coughs> वेरी गुड सुषमा गुड गोइंग रीड रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश मत करिए रीड इट प्रॉपरली ठीक है आपको रीड करना बहुत जरूरी है देखिये इकोनॉमिक एनवायरमेंट का जो एलिमेंट है ना इकोनॉमिक एनवायरमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ वट यू से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ठीक है ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है ठीक है एम गेटिंग अलॉट ऑफ मिक्स आंसर्स ट मी वेट फॉर समर आंसर थोड़े से और आंसर के लिए वेट कर लेते हैं आई एम वेरी श्योर की आप लोग सही आंसर जरूर देंगे यू विल बी गिविंग करेक्ट आंसर ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को लेट सी हु द करेक्ट आंसर काफी सारे लोग सेकेंड कह रहे हैं काफी सारे लोग थर्ड भी कह रहे हैं कुछ लोग वन भी कह रहे हैं सम स्टूडेंट्स आर सेइंग आल्सो काफी काफी मिक्स आंसर्स मिल रहे हैं मुझे लेट्स लेट्स वेट फॉर अदर्स ध्यान से देखिए इकोनॉमिक एनवायरमेंट एनालिसिस लिखा हुआ है जो इनवायरमेंट एनालिसिस का पार्ट है क्या ये इकोनॉमिक्स uh, का पार्ट होता है और इज इट द पार्ट ऑफ वट यू कॉल इट एज द एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या फिर ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट होता है ठीक है सो बी वेरी क्लियर ऑन दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स ये छोटी छोटी चीजें आपके रिजल्ट को दाएं कर सकता है ठीक है तो आंसर जो हो जाएगा इट्स गोइंग टू बी वन ठीक है लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के ऊपर आ गए हम कि इसमें से कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है ठीक है ये आपको बताना है लेट्स सी नेगेटिव स्लोप इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू इम परफेक्ट सब्सिट्यूट आर कॉन्केव टू दॉइंट ऑफ ओरिजन इमेट सब्सिट्यूटिफरेंस डॉ नॉट इंटरसेक्सर ठीक है अपर इंडिफरेंस रिप्रेजेंट हायर लेवल है कौन से एलिमेंट है हमें सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है ठीक है एंड फॉर सेकेंड इज गोइंग टू ब करेक्ट आंसर नेगेटिव स्लोप होता ही है एक गुड बढ़ेगा तो दूसरा गुड डिक्रीज करना पड़ेगा डो नॉट इंटरसेक्टीचर बाई द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसिटिविटी अगर आप याद कर पा रहे हैं मैंने इस कंसेप्ट को पढ़ाया था आपको ट्रांजिटिविटी का इज इक्वल टू बी ऑल्सो ठीक है बट ये पॉसिबल नहीं होता है जब आप डायग्राम दिखाते हैं ठीक तो है तो सेकंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर लेट मूव हेड कंज्यूमर सरप्लस कांसेप्टो ऑज गिवन बाय होम कंज्यूमर सरप्लस ट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड वॉट ही एक्चुअली पेज द डिफरेंस बिटवीन दैट इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस ठीक है आई होप आप रिकॉल कर पा रहे जॉन रॉबिसन ने एडम स्मिथ ने एल्फर्ड मार्शल ने डेविड रिकार्डो ने, ने। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन वेरी गुड बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं वरफुल अंबिका इज वेरी क्विक सेल्फर्ड मार्शल एल्फर्ड मार्शल एप्सोल्यूटली करेक्ट इन्होंने दिया था कंज्यूमर सरप्लस का किंग डिमांड कर्व ठीक है जो कि ओलिगोपोली मार्केट में होती है किंग डिमांड कर्व ठीक है कुछ इस तरीके की इज एसोसिएटेड विद ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली ठीक है प्राइस रिजिडिटी होता है प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी होता है ड्यूअल प्राइसिंग होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है चलिए जल्दी से बताइए किंग डिमांड कर्व किस चीज से एसोसिएटेड है वट इज द फिनोमिना वट इज द कैरेक्टरिस्टिक विद विद इट इज एसोसिएटेड ठीक है काफी सारे आंसर्स बहुत जल्दी जल्दी आने लग गए इट्स वन प्राइस रिजिडिटी को दिखाता है स्टिकी प्राइसेस भी कहते हैं इसे प्लीज याद रखिएगा स्टिकी प्राइसेस भी कहा जाता है इसे ठीक है चलो वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर वंडरफुल मौसम इट्स गिवन बाय स्वीजी लेट्स मूव हेड ट इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग अगर हमको नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन नेट इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन और नन ऑफ दीस ठीक है चलिए जल्दी से बताइए वा वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक बहुत आसान है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ बेसिक्स बहुत ही बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पूछ लिया जाता है इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डाले गए हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर स्पेंड सो मच दैट नेगेटिव इनकम इफेक्ट ध्यान से देखिए नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरवेल्स द पॉजिटिव सबस्टिट्यूशन इफेक्ट एज द अंडरलाइंग डिमांड कवर पॉजिटिवली स्लोप नॉर्मली तो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है बट एक एक्सेप्शन है जहां पर पॉजिटिवली स्लोप हो जाती है वॉट इज दिस एक्सेप्शन इनफीरियर गुड सुपीरियर गुड गिफ एन गुड या फिर नॉर्मल गुड ठीक है जल्दी से बताइए कॉम्प्रेंसिवली मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो बेसिक से बेसिक कंसेप्ट है एंड जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सेक्शन uh, है वो कवर हो पाए एंड आई स्टॉप आफ्टर वन सब्जेक्ट दो सेकेंड के लिए सिर्फ आपसे पूछने के लिए कि वेदर उ वॉज द इकोम सेक्शन क्या आपको लग रहा है अच्छा रिविजन हुआ ठीक है सो गिफ एन गुड इज एप्सोलूटली करेक्ट लेट्स मूव अहेड विच ऑर द फॉलोइंग कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट इसमें से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का आपको बताना है कंडीशन uh, क्या है फॉर्म मस्ट है ठीक है प्राइस इलासिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट डिफर ठीक है तभी आप एडवांटेज ले पाएंगे मार्केट मस्ट भी सेपरेबल और एबल टू बी सेगमेंटेड फ्री एंट्री एंड एक्सिट ऑफ फॉर्म ठीक है कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशन हैं जो यहां पे जस्टिफाई होती हैं? लेट सी कैन गिव द करेक्ट आंसर हुआ वेरी इजी क्वेश्चन वी आर ऑन द क्वेश्चन। वेरी गुड गोइंग स्टूडेंट्स। काफी अच्छे से आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं कीप रीडिंग इट प्रॉपरली देखिए फ्री एंट्री एंड एग्जिट मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात हो रही है ठीक है

कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज पोस्ट कंजम्शन फिनोमिना कंजन करने के बाद में आता है आपको कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन इज इज अ अ माइल्ड माइल्ड पॉजिटिव पॉजिटिव जस्ट कंज्यूमर इमोशनल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अ फेवरेबल अप्रेजल ऑफ कंजम्पन आउटकम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन रिजल्ट फ्रॉम कॉग्नेटिव अप्रेजल कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर लॉयल्टी बहुत कंसेप्ट सेम चलिए जल्दी से बताइए वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर हेयर आई एम श्योर यू हैव रेड इट प्रॉपरली पढ़ लिया है कौन सा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का कंसेप्ट नहीं है ओ oh, वंडरफुल इतने सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दे दिया है इट्स फोर्थ बिकॉज कंज्यूमर लॉयल्टी एक अलग चीज होती है और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन अलग होता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज कितना सेटिस्फाइड है आप कितना आपको यूर हैप्पी अबाउट कंज्यूमिंग प्रोडक्ट कंज्यूमर लॉयल्टीज की सेम ही कंपनी से प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं ठीक है विच द बिलो इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट इसमें से कौन सा कॉस्ट का कंसेप्ट नहीं है ठीक है इंप्यूटेड रेंट ओनर्स लैंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मटीरियल कॉस्ट वेरी इजी क्वेश्चन किरण इट विल नॉट बी पॉसिबल क्वेश्चन सेवन बहुत पीछे है नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नाइनटीन आप प्लीज मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट आज मैराथन सेशन में बैठे हैं आप अगर ऑन द स्पॉट उस टाइम पे पूछ लेते हैं देन इट वुड बी पॉसिबल क्वेश्चन सेवन बहुत पीछे जा चुका है किरण

इकोनॉमिक्स इज वन सब्जेक्ट जो मीडियम लेवल का ही पूछा जा जाएगा मेजोरिटी टॉपिक्स आपके ग्रेजुएशन लेवल के ही होंगे सो हेयर वी आर एंडिंगशनॉमिक्स एक बार थम्सअ दीजिए वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड सब्जेक्ट ना फ्री बर्ड इट इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट है इकोनॉमिक्स के बीस हैं दस टॉपिक्स हैं ब्रॉडली उनको दस ग्यारह टॉपिक्स में एक्सप्लेन किया गया है ठीक है मनप्रीत सिंग सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मनप्रीत सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का क्या मतलब है है किसी एक सेक्शन के अंदर से यू यू टू टू द गिव इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट ठीक सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल सिलेक्टिवली वो लोन देना चाहते हैं लेट से हाउसिंग के लिए लोन देना चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन देना चाहते हैं ठीक है स्ट्रक्चरल सिलेक्टिविटी भी हो सकती है और जेनरिक सिलेक्टिविटी भी हो सकती है तो ये हमारा एक पर्टुलर सेगमेंट में आप जब क्रेडिट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इट विल बी नोन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल रावली एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आ जाएंगे बिकॉज तारीख तक निकल चुके हैं नेक्स्ट आप लोगों का ही नंबर है ठीक है आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्दी आएंगे जैसे ही आएंगे मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी इन्फॉर्म कर दूंगा ठीक है चलो आगे चलें व्हाट एनी एनी गेसेस फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है क्या आप गेस लेना चाहेंगे जस्ट टू कीप द एनवायरमेंट वेरी हैप्पी एंड एंटरटेनिंग वुड यू लाइक टू टेक द गैस वट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सब्जेक्ट एनी गैसेसूडेंट्सॉट ऑफ गुड्स कोज कमिंग इन मौसमी मोनिका नेहा किरन वेरी गुड फ्रीबर्ड वेमिया वंडरफुल चलो चलो आई थिंक गैस गैस नहीं ले पा रहे हैं स्टूडेंट्स काफी सारे रैंडम गैसेज आ रहे हैं मुझे

फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द टाइप्स ऑफ टेस्ट ठीक है वंडरफुल चलो जल्दी जल्दी मुझे आंसर दो इसका इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑर्डिनल डेटा है कौन से टाइप का टेस्ट यूज किया जाएगा वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑर्डिनल डेटा है रैंकिंग कर सकते हैं तो आप क्या यूज करेंगे यू गोइंग टू यूज साइन टेस्ट बाकी अगर क्वांटिटेटिव डेटा होता या रेशियो डेटा होता इंटरवल डेटा होता देन यू मस्ट हैव यूज्ड टी टेस्ट 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 जेड और एफ ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे अ चेंज इन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेनिंग कर्व क्या होगा भाई नॉर्मल सेम है व्हाट इज गोइंग टू द नॉर्मल कर्व कर्व जो होगा वो एक्स एक्सिस से बढ़ जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस चेंजेस द शेप बिकम सिमेट्रिकल नन ऑफ दर्व ठीक है एक्स एक्सिस से बढ़ जाएगा दैट इज वॉट इज गोना हैपन शेप चेंज हो जाएगा मतलब लेट से टॉलर हो गया ठीक है टॉलर और छोटा होता है टॉलर होता है जब स्टैंडर्ड डिवेशन बढ़ता है और छोटा हो जाता है ठीक है इट बिकम्स स्मो फ्लैटर व्हेन द स्टैंडर्ड डिशन इज फॉलिंग ठीक है यहां पे जो आंसर हो जाएगा इट्स गोइंग टू बी वन क्योंकि मीन में चेंज आ रहा है तो ये वैल्यूज चेंज होंगी लेफ्ट और राइट right, इसलिए एक्स एक्सिस के अंदर कर्व चेंज होगा ठीक है आई होप दिस इज क्लियर समझा भी दिया मैंने साथ साथ आपको सो देट योर वेरी थॉरो बिकॉज स्टैटिस्टिक्स काफी सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट भी लगता है

क्या कहा जाएगा इसे वॉट इज दिस कॉल्ड एस लेट सी वॉट आर द आंसर कमिंग अप ऑफ आंसर्स वेरी क्विक आंसर इज ऑब्जर्वेशनल स्टडी यू आर डूइंग एन ऑब्जर्वेशन एंड वहां से आप रिजल्ट एनालाइज कर रहे हैं विदाउट कंट्रोलिंग एनीथिंग ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड जजेस ए बी सी तीन जजेस हैं उनको जज करने का मन कर रहा है डांस कॉम्पिटिशन को जहां पे वो रैंकिंग्स देते जा रहे हैं दे नॉट प्रोवाइडिंग मार्क्स रिमेंबर ओनली प्रोवाइडिंग रैंक नॉट प्रोवाइडिंग द मार्क्स ठीक है विच ऑफ द बिलो मैंशन एलिमेंट शैल बी यूज टू डिटरेशन ठीक है यस माधवी हैिटी क्वेश्चन के अंदर जो हिंट होता है वो क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है पीएसएन एन यूज करेंगे आप पीएसमैन रैंक कोरिलेशन यूज करेंगे रिग्रेशन यूज करेंगे कोफिशन ऑफ डिटर्मिनेशन यूज करेंगे ठीक है जल्दी से मुझे बताइए एक एक एडिशनल क्वेश्चन में आपके सामने आपसे पूछ रहा हूं फिशन ऑफ डिटर्मिनेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय किस चीज से रिप्रेजेंट किया जा सकता है करेक्ट आंसर की जा रही है एक और किस चीज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका जवाब देना है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम डिस्कस कर सकते हैं फॉर योर बेटर क्लैरिटी यस किरण दीज आर एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ठीक है आर देखो ये काफी सारे लोग आर बोल रहे हैं ये यू हैव टू बी वेरी क्लियर कोफिशन ऑफ को रिलेशन इज डिटर्माइंड ऑफ डिटर्मिनेशन वंडरफुल चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड वेन अ रिसर्चर वॉन्ट्स टू सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटिवेटिव सैंपल टू द डिफरेंट पैरामीटर्स फ्रॉम अ लार्ज साइज फाइनाइट प्लीज रीड द क्वेश्चन लार्ज साइज फाइनाइट हाइट्रोजेनस पॉपुलेशन

करेक्ट आंसर इज स्टार्टिफाइड हेट्रोजनस है क्योंकि पॉपुलेशन तो आप उसको उस हेट्रोजेनिटी के बेसिस पे स्टार्टाज में डिवाइड कर सकते हैं यू कैन सेगमेंट देम इन टू स्मॉल स्टार्टासन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट प्रॉपर्टी अबाउट को रिलेशन कोफिशन इसमें से कौन सी सही प्रॉपर्टी नहीं है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज प्लीज बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा प्लीज गो थ्रू द प्रॉपर्टीज ठीक है प्रॉपर्टीज बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा एंड यू हैव टू रीड इट केयरफुली बहुत अच्छे से ठीक है चलो लेट सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर वेरी इजी क्वेश्चन आई एम वेरी श्योर कि आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे आई स्टार्टेड गेटिंग अलॉट ऑफ आंसर्स डिपेंड्स ऑन ओरिजिन डिपेंड्स ऑन स्केल डिपेंड्स ऑन ओरिजिन एंड स्केल इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन किरण विल बी कवरिंग मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि हम एक कवर करेंगे कॉमेंट्स वेरी गुड इवनिंग प्रगति विनय इज आग वॉट इज कोफिश ऑफ एलिनेशन विनय एलिनेशन मतलब जो चीज एलिनेट हो रही है हट रही है वो पोर्शन जो आप नहीं एक्सप्लेन कर पाते अनएक्सप्लेन वेरियंट्स एक्सप्लेन वेरियंट को कहते हैं कोफिशियंट ऑफ एलिनेशन अगर हम निकालना चाहें तो उससे हमें पता चल जाएगा ठीक है आई होप दिस इज क्लियर चलो लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप ठीक है तो नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा इट्स नॉट डिपेंडेंट इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एज वेल एज स्केल तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इट्स गोइंग टू बी थर्ड ए बी एंड सी ठीक है दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर लेट्स मूव फॉरवर्ड द रिग्रेशन जान जानबूझ के मैंने डाला है ताकि आपको दोनों का कंफ्यूजन दूर हो जाए फिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश स्केल ओनली बोथ स्केल एंड ओरिजन नादर स्केल नॉर ओरिजन ठीक है जान मुझ के दोनों डाले हैं बिकॉज बोथ ऑफ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स सी व्हाट कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर ठीक है रिग्रेशन कोफिशन जो है वो किस चीज पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है चलिए जल्दी से बताइए यस yes, मौसमी

डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कॉजल रिसर्च या फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ठीक है ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक रॉ डेटा को इस फॉर्म में ताकि उसको आसानी से समझा जा सके व्हाट इज दिस कॉल्ड एस प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिना समझे आंसर मत करिएगा ठीक है द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं जिसमें आप मीन मीडियम मोड रेंज स्टैंडर्ड डिविशन ये सब निकालते हैं सपोज एक्स इज अ रेस्टोरेंट ओनर फाइंड फॉलोइंग सेल्स इन इज आउटलेट एंड विशेज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम प्रिसाइजली एंड एज स्पेसिफिकली एज पॉसिबल बहुत अच्छे से उसको इलेबोरेट करना चाहता है एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल ठीक है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहता है दिस कैन बी डन यूजिंग डैश मॉडलिंग यूज करेगा डिस्क्रिप्टिव यूज करेगा एक्सप्लोरेटरी या फिर एक्सपेरिमेंटल चलिए जल्दी से आंसर बताइए प्रॉब्लम को प्रिसाइजली डिफाइन करना है यही पता चल गया यही की मिल गया आपको दट द आंसर इज गोइंग टू बी एक्सप्लोरेटरी ही इज स्टिल एक्सप्लोरिंग ही इज नॉट अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम प्रॉपरली चलो थर्ड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर लेट्स मूव अहेड द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज इक्वल टू द पैरामीटर वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन ठीक है ये एक प्रॉपर्टी है आपको याद होगा दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ठीक है सेकंड क्या लिखा हुआ है स्टेटिफाइड सैंपलिंग अनरिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग टेक्निक ठीक है ओके मेघा मेघा इज आस्किंग सर मॉडलिंग मॉडलिंग क्या होता है जहां पे आप एक इकोनोमेट्रिक या एक मैथमेटिकल मॉडल बना देते हैं ठीक है मैंने आपको पहले भी बताया था लेट से आप उसको एक लीनियर इक्वेजन फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं वाईज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जहां पर ए आपका इंटरसेप्ट हो गया बी आपका स्लोप हो गया और एक्स की वैल्यू हो गई तो अगर आप वाई की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं लेट सेल्स ज डिपेंडेंट ऑन ए जो ऑटोनॉमस सेल्स होगी इंटरसेप्ट की बी स्लोप हो गया और एक्स हम मान लेते हैं एडवर्टिजमेंट ठीक है तो इससे हम हमने एक मॉडल बना दिया इकोनोमेट्रिक मॉडल इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुल्पलिंग इज एन अनरिस्ट्रिक्टेड प्रॉबेबिलिटी रैंडम सैंपलिंग द आंसर इज इन सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है रिस्ट्रिक्टेड है क्यों क्योंकि आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे यू आर रिस्ट्रिक्टिंग देम टू पर्टिकुलर स्टाटा एक स्टाटा में रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं देयरफॉर थर्ड इज गोइंग टू बी द द करेक्ट आंसर होप मॉर्निंग पार्ट इज क्लियर चलो लेट्स लेट्स मूव अहेड वंडरफुल मेघा चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड ऑल्टरनेट हाइपोथिसंक हाइपोथिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं चलो जल्दी से जवाब दो कौन सा गलत है इसमें से Which of these is गोइंग टू बी invalid? ठीक है invalid ऑल्टरनेट हाइपोथिस कौन सी होने वाली है ध्यान से पढ़िएगा ऑल्टरनेट पूछी हुई है नल नहीं पूछी हुई है ठीक है इसमें से ऑल्टरनेट हाइपोथिस कौन सी गलत होने वाली है किरण सिंह मॉडलिंग प्लीज एक्सप्लेन किरण मॉडलिंग का सिंपल सा क्या मतलब है आप कोई भी मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट कर रहे हैं ठीक है और उसके बेसिस पे आप रिजल्ट्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं लेट्स से आपको पता करना है कि भाई मेरी सैलरी क्या होगी ठीक है नाउ सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन लेट से योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन योर एक्सपीरियंस कितने साल आपने काम किया है प्लस स्किल्स ठीक है तो ये तीन फैक्टर्स हो गए हमने एक मॉडल जनरेट कर लिया अगर हमारे पास इसकी वैल्यू है और वेट्स असाइन करने हैं तो वेट्स असाइन कर सकते हैं तो इसके बेसिस पे आप अपनी सैलरी डिटरमाइन कर सकते हैं तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है जहां पे आप मॉडल बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं इट इज नोन एज मॉडलिंग ठीक है आई होप किरण आपको भी क्लैरिटी आ गई होगी वन इज द करेक्ट आंसर ठीक है ये नल हाइपोथेसिस बनेगा दिट इज नॉट ऑल्टरनेट कंसिडर लार्ज पॉपुलेशन विद अ मीन ऑफ वन सिक्सटी एंड रैंडम सैंपल साइज ऑफ इज इज टेकन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन ठीक है चलिए जल्दी से बताइए वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर कुछ कैलकुलेशन भी करवा दी है मैंने आपको जानबूझ के न्यूमेरिकल डाले हैं सो दैट यू आर एबल टू प्रैक्टिस इट ठीक है जल्दी से बताइए क्या वैल्यू आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन निकालना है इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड एरर अगर आपको स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला पता है यू नो द आंसर ठीक है चलिए जल्दी से बताइए आई होप वी आर मूविंग राइट इन टाइम अगर हम 50 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली एक घंटे में कर पाए जिसके बाद पांच मिनट का ब्रेक ले लेंगे ठीक है वेरी इजी क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल्स का नाम सुनते ही आंसर की स्पीड स्लो हो गई है दिस इज द रीजन वाई एम गोन डू अ सेशन ऑन न्यूमेरिकल एक नुमरिकल का सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे डोन्ट वरी सिंपल फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एर निकालना है विच इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिशन डिवाइडेड रूट एन ठीक है तो रूट एन करेंगे तो एट निकल जाएगा द आंसर इज गोन ऑक्न वन हमारा आंसर आ जाएगा इफ द टू डिग्रेशन लाइन आर एज अंडर दो डिग्रेशन लाइन आपको दी हुई है वन इज वाई ए प्लस बी एक्स ठीक है विच इज वाई ऑन एक्स दूसरा एकस, c plus dy, which is x c प्लस डी वाई विच इज एक्स ऑन वाई ठीक है ठीक कोरे, है चलिए जल्दी से बताइए बी सी ए सी ए डी या फिर बी डी वेरी इजी क्वेश्चन बट आपको तभी आता होगा जब आपको इसके सारे टर्म्स पता होंगे अभी मैंने आपको बताया था ए और सी इंटरसेप्ट है बी जो है हमारे स्लोप है या जिसको आप रिग्रेशन कोफिशियंट भी कहते हैं और एक्स और वाई तो वैल्यू है हमारी वेरिएबल्स की ठीक है बी एंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर एप्सोलूटली बिकॉज ये दो रिग्रेशन कोफिशंट हो जाएंगे विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट शुड बी अप्लाइड टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेशल कोचिंग ऑन द मार्क्स कोड बाय द स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से समझिए स्पेशल कोचिंग का इंपैक्ट देखना है कि उससे कुछ इफेक्टिवनेस में इंप्रूवमेंट आई है या फिर नहीं पेर टी टेस्ट काई टेस्ट 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 जेड या फिर एफ टेस्ट। ठीक है चलिए सोच के बताइए जल्दी स्पेशल कोचिंग आपने प्रोवाइड करी स्पेशल कोचिंग के बाद आप में इफेक्टिवनेस आई है कि नहीं दिस इज वॉट यू हैव टू टेल मी हेर वेरी इजी क्वेश्चन पेयर टी टेस्ट पेयर मतलब क्या होता है जब दो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस मेजर करी बिफोर गिविंग दम स्पेशल कोचिंग दिस इज द बिफोर वन ठीक है एंड बाद में क्योंकि स्पेशल कोचिंग दी है उसके बाद देखा दैट व्हाट हैज द स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर टेकिंग दिस टेस्ट ठीक है करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी पेयर टी टेस्ट आगे चलते हैं इफ द वेट गेन ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को इफ द वेट गेन एंड द टेस्ट स्कोर्स आर कंप्यूटेड फॉर द अमाउंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम द लाइकली वैल्यू ऑफ आर शाल बी ठीक है वेट गेन निकाला गया है एंड टेस्ट स्कोर मतलब आपका वेट बढ़ रहा है एंड साथ साथ आपके टेस्ट के स्कोर्स निकाले जा रहे हैं व्हाट आर यू स्कोरिंग इन द पटलर टेस्ट कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं ठीक है व्हाट इज गोइंग टू बी द लाइकली वैल्यू ऑफ आर चलिए इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन है इज इट गोइंग टू बी जीरो इज इट गोइंग टू बी पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नन ऑफ द ऑफ चलिए जल्दी से आंसर दीजिए ठीक है यूज योर लॉजिक वेरी केयरफुली क्या आंसर होना चाहिए जीरो होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या फिर नन ऑफ द अब भी हो सकता है ठीक है अलॉट ऑफ आंसर फॉर जीरो भाई ये वन कौन बोल रहा है ओके दे आर सींगट द वन इज द आंसर ओके ठीक है द आंसर इज गोइंग टू बी जीरो बिकॉज आइदर इज गोइंग टू बी जीरो और नो कोरिलेशन ठीक है तो वन हमारा आंसर हो जाएगा विच आर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक शुड बी यूज वेन यू विश टू एग्जामिन द एसोसिएशन बिटवीन नॉमिनल वेरिएबल्स ठीक है वेरिएबल्स के बीच में अगर आपको एसोसिएशन देखना है तो आप क्या यूज करेंगे मल्टीपल uh, होने, होने को तो कुछ भी हो सकता है नेगेटिव होने के लिए कुछ रिलेशन होना चाहिए कि ठीक है वेट गेन हो रहा है मार्क्स कम हो रहे हैं तो उसके बीच में कुछ लॉजिक होना चाहिए बट अदरवाइज मोस्ट लाइकली आंसर शुड बी जीरो ठीक है

इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज अभी अभी आपने न्यूमेरिकल के अंदर कैलकुलेट किया है आई एम वेरी श्योर कि आप इसका जवाब जरूर दे पाएंगे पहला कोटा सैंपलिंग जो नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड हैिटी भी कहते हैं लोग और स्टैंडर्ड एर जो है इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज ठीक है इनवर्स रिलेशनशिप होता है अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है यू हैव कैल्कुलेटेड द फॉर्मूला लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की इफ यू वांट टू गिव द करेक्ट आंसर अभी हमने एक फॉर्मुला पढ़ा है एंड वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है लेट्स मूव अहेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इफ़ वन ऑफ द डिग्रेशन कोफिशन इज ग्रेटर द अदर वन द अदर मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन वन पहली प्रॉपर्टी द प्रोडक्ट ऑफ टू इज इज मोर देन वन ठीक है प्रोडक्ट ऑफ टू कोलेशन को नॉमिनल वेरिएबल पूछा हुआ है ठीक है नॉमिनल वेरिएबल वो होता है जिसमें सिर्फ आप डिस्टिंगशन कर पाते हैं ठीक है थीके? मतलब लेट से मैंने आपको कह दिया कि भाई Uh, जब आप क्रिकेट देखते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्समैन की टी शर्ट के पीछे नंबर्स गिवन होते हैं ठीक है नाउ आर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव कि आप दो चीजों के बीच में डिफरेंस निकाल पाए ठीक है तो इस बेसिस पे आप क्या कह सकते हैं वॉट इज समथिंग डेट यू कैन एक्चुअली टेल आउट ऑफ इट तो इसमें आप कोई भी स्टेटिस्टिकल uh, टूल नहीं यूज कर पाएंगे बिकॉज इट्स अ नॉमिनल डेटा तो इसलिए हम एसोसिएशन देखने के लिए काइस्क टेस्ट यूज करते हैं ठीक है लेट सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर वट वट शुड बी द करेक्ट आंसर आंसर इज कमिंग लेट सी लेट मी जस्ट चेंज द क्वेश्चन हेयर थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूं ठीक है द कोरलेषन कोफिशियंट इज द एथमेटिक मीन ऑफ टू डिग्रेशन कोफिशियन लिखा हुआ है यहां पर हम इसको ज्योमेट्रिक मीन कर लेते हैं ठीक है लेट्स कीप इट ज्योमेट्रिक मीन ठीक है लेट्स सी वेदर द आंसर चेंजेस बिकॉज फोर्थ आंसर नहीं हो सकता कोई जरूरी नहीं है कि जो दोनों रिग्रेशन कोफिशियंट है उनका साइन हमेशा सेम हो डेट इज नॉट नेसेसरी ठीक है ऑलवेज सेम हो ये कोई जरूरी नहीं है नॉट नेसेसरी बट तीनों के सेम होंगे ऑल द थ्री आर गोइंग टू बी सेम तीनों सेम निकलने चाहिए ठीक है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है दे माई टर्न आउट टू बी द सेम ठीक है सो so थर्ड हम कर लेते हैं लेट्स कीप थर्ड एज द करेक्ट आंसर जोमेट्रिक मीन कर लेते हैं एक एक वर्ड ऑलवेज पे हमेशा ध्यान रखा करिए कि एक ऑलवेज वर्ड जो है जो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ठीक है चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इफ द अनएक्सप्लेन वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज थर्टी सिक्स परसेंट अनएक्सप्लेन वेरिएशन अगर थर्टी सिक्स परसेंट है वॉट इज गोइंग टू बी द फिशन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरियबल ठीक है लेट सी वॉट इज दर्टी नाइन क्वेश्चन अनएक्सप्लेन वेरिएशन अगर थर्टी सिक्स परसेंट है वट इज द कोफिशन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल क्या कहा जाएगा कोफिशन ऑफ को रिलेशन आई होप यू हैव रेड दिस क्वेश्चन अब आपको यह कंसेप्ट पता है कोफिशन ऑफ कोरिलेशन का अनएक्सप्लेन वेरिएशन थर्टी सिक्स परसेंट है तो एक्सप्लेन कितना हो जाएगा इट्स गोइंग टू बी सिक्सटी फोर परसेंट ठीक है चलिए जल्दी से जवाब निकालिए इसका क्या आंसर होना चाहिए थोड़ा सा सॉल्यूशन भी कर लीजिए ठीक है लेट सी लेट्स सी व्हाट कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर काफी सारे लोग काफी अलग अलग आंसर दे रहे हैं ध्यान रखिएगा कोफिशन ऑफ कोरिलेशन निकालना है ना कि कोफिशन ऑफ डिटर्मिनेशन ठीक है डिटर्मिनेशन पूछता तो हम कह सकते थे कि आंसर सिक्सटी होगा पॉइंट होगा बट यहां पर जो आंसर हो जाएगा इट्स गोइंग टू बी पॉइंट ठीक है एक बार मैं आपको दोबारा थर्टी वाला क्वेश्चन समझा देता हूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ठीक है साइंस ऑफ द टू दिग्रेशन कोफिश द सेम द कोरिलेशन कोफिशन इज ज्योमेट्रिक मीन तो टेक्निकली अगर हम देखें अगर हम एक लॉजिकल सेंस में समझने की कोशिश करें तो यहां से बेसिकली है आई है वर्ड ठीक है क्योंकि हमने ये वर्ड हटा दिया यहां से इसलिए थर्ड आंसर हो जाएगा अदरवाइज टेक्निकली अगर आप देखने की कोशिश करें तो यह दोनों प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए ठीक है सो दे टू बी सेम ठीक है आई होप दिस इज क्लेयर अगर वर्ड दे वॉज अ स्लाइट

ट इज द प्रॉबेबिलिटी डेट अली चोजन कार्ड फ्रॉम अफ कार्ड विल बी अंग और आई होप आपको किंग ऑफ स्पेड के बीच में डिफरेंस पता है, yes, है? चलो एक बार थम्सअप दे दीजिए भाई इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं चालीस क्वेश्चन के आसपास थोड़ा सा थम्सअप बनता है एंथुजियाजम थोड़ा सा आपका हाई होना चाहिए ठीक है एक बार थम्सअप दे दीजिए वेदर यू आर लाइकिंग द सेशन मजा आ रहा है सेशन में ठीक है लॉट ऑफ क्वेश्चन दो सौ क्वेश्चन है ठीक है आई एम श्योर थोड़ा सा टायरिंग होगा बट इट्स गोइंग टू तो बी वर्थ इट ठीक है चलो लेट सी लेट सी वॉट कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर कौन इसका सही जवाब देता है ध्यान रखिएगा एक किंग है वन इज द किंग और स्पेड ठीक है तो वन किंग हो गया ठीक है विल बी आइदर द किंग किंग कितने होते हैं देर आर फोर किंग्स ठीक है और स्पेड एक स्पेड इंक्लूड कर दिया होगा आपने ठीक है सो इफ देर आर थर्टीन तीन अगर तेरह पत्ते होते हैं लेट से तेरह पत्ते मान के चलें आइदर अ किंग और अ स्पेड अगर तेरह एक पत्ते होते हैं तो हम मान के चल सकते हैं कि इट्स गोइंग टू बी कमिंग आउट टू बी एक बार आप भी डिवाइड कर लीजिए आप भी एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं वॉट शुड इट कम आउट टू बी आइदर अ किंग और अ स्पेड लेट सी वॉट आर द आंसर्स कमिंग अप आपके आंसर्स देखने जरूरी हैं

ंडरफुल सो वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर वन बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएगा तो क्यों क्वेश्चन डाला वाई आईव दिस क्वेश्चन बिकॉज प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक है जिसमें से आपके क्वेश्चन आते हैंजमेंट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है इन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट रिजल्ट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू विलीड टू डैश इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स नहीं हैं देन व्हाट इज गोना हैपन क्या होने वाला है ये आपको बताना है कैश फ्लो डिसीजन कॉस्ट डिसीजन सेम डिसीजन डिफरेंट डिसीजन फ्री बर्ड इज सेंग प्लीज एक्सप्लेन फ्री बर्ड किंग है हमारे पास चार किंग होते हैं पत्तों में ठीक है स्पेड चार तरीके के होते हैं मतलब चार तरीके के एलिमेंट्स uh, होते हैं जिनके कार्ड्स होते हैं हर एक कार्ड के तेरह पत्ते होते हैं एक किंग क्योंकि यहां पे इंक्लूड कर दिया गया जनरली तेरह पत्ते होते हैं एक एक तरीके के इसमें इसमें से एक king आपने इंक्लूड कर दिया है ठीक है so ये के कितने पत्ते तो कर लीजिए ठीक है आई होप दिस इज क्लियर चलो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सेम डिसम इज वेरी गुड गोइंग मौसमी आई थिंक ट्वेंटी बाई फैंटास्टिक स्कोर ठीक है

ठीक है का ध्यान से पढ़िए इसको Wonderful. काफी सारे आंसर्स आते हुए द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी वन गवर्नमेंट इंप्लॉय कोई भी हो लोकल का हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो अकॉर्डिंग टू ग्रेचुटी एक्ट हो गवर्नमेंट इंप्लॉय है अगर तो उसकी जो ग्रेचुअटी है it is going to be exempt.

द कॉल ऑप्शन वैल्यू ऑफ अ कॉलेबल बॉन्ड इज लाइकली टू बी हाई ठीक है कब हाई होगी है वेन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स आर वॉलेटाइल इंटरेस्ट रेट्स आर लो एक्सपेक्टेड टू रिमेन लो इंटरेस्ट रेट्स आर हाई एक्सपेक्टेड टू रिमेन हाई मार्केट्स आर इनफिशियंट ठीक है कॉल ऑप्शन ऑफ अफ वैल्यू ऑफ अ कॉलेबल बॉन्ड कॉलेबल बॉन्ड जिसको आप कॉल कर सकते हैं जब भी चाहें कॉल ऑप्शन आपको पता है एक आप ऑप्शन ले लेते हैं कि जब आपका मन करेगा तो आप उसको बाय कर सकते हैं ठीक है दैट इज वॉट अ कॉल ऑप्शन इज तो ये वॉलेटाइल कब होगा सबसे ज्यादा वेन इट इज गोइंग टू बी वेरी हाई सॉरी चलिए लेट गिव्स द करेक्ट आंसर थोड़ा सा पे पे कॉमन सेंस क्लैरिटी देखनी होगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुझे उम्मीद है कि फाइनेंस में कुछ थोड़ी बहुत गलतियां होंगी बट आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू कवर अप ठीक है देखिए सिंपल सी चीज समझिए इंटरेस्ट रेट्स आर लो एक्सपेक्टेड टू रिमेन लो मतलब क्या हो गया सर्टेनिटी बढ़ गई कई बार क्या होता है हम फाइनेंस की जगह नहीं

तो काफी सारे लोगों ने लगातार पढ़ना छोड़ा नहीं होता काफी सारे लोग बीच में छोड़ के बैठ गए थे बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी जिसकी वजह से क्या हो गया रिस्क बढ़ गया तो यहां क्योंकि आपको कॉल ऑप्शन दिया जा रहा है जो पर्सन आपको कॉल ऑप्शन दे रहा है उसको आइडिया नहीं है दैट व्हाट इज गोना हैपन तो क्या करेगा वो वो आपसे प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा ना अगर उसका अनसर्टेनिटी अगर रिस्क ज्यादा है तो द आंसर इज गोइंग टू बी वन इंटरेस्ट रेट्स आर वॉलेटाइल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है पता नहीं कब ज्यादा हो जाए पता नहीं कब कम हो जाए तो द आंसर इज गोइंग टू बी वन आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करेगा बिकॉज ही इज टेकिंग मोर रिस्क ही इज टेकिंग हायर रिस्क ठीक है आई होप दिस इज क्लियर वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर कॉल ऑप्शन को रिस्क और अनसर्टेनिटी से टैकल करने की कोशिश करिए ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज कॉन्फ्लिक्टिंग रैंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अंडर एनपीवी एंड आई आर आर ठीक है एनपीवी और आईआरआर के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग पोजिशन कहा आती हैं ये आपको बताना है एबीसी बीसीडी एसीडी एबीटी ठीक है आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन मतलब जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है ठीक है इट कीप्स ऑन चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली इट्स नॉट कीइज यू कैन नॉट गॉज आउट कि किस तरफ में उसका मूवमेंट होगा क्या उसका मूवमेंट अपवर्ड साइड होगा या लोअर साइड होगा इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है ठीक है वेरी वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज ठीक है

टनिंग यूज करते हैं एक्सटर्नल डेट फाइनेंसिंग हाइब्रिड सिक्योरिटी न्यू इक्विटी शेयर्स आई थिंक बहुत ही आसान से क्वेश्चन है इफ यू नो कि आपको क्या करना चाहिए वॉट शुड बी द राइट मेथड ठीक है सबसे पहले क्या यूज करते हैं सबसे लास्ट में क्या यूज करते हैं तनुजा प्लीज एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए रीड द क्वेश्चन अगेन पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है लेट सी सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे सबसे बाद में आप क्या यूज करेंगे लेट सी आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स काफी सारे आंसर्स आने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी लेट सी वॉट कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर एक बार जल्दी से मुझे ऑर्डर बता दीजिए वॉट इज द करेक्ट ऑर्डर वॉट इज द करेक्ट ऑर्डर दैट इज बींग फॉलोड क्या ऑर्डर होता है जो आप फॉलो करते हैं सुषमाई से सबसे पहले रिटेन रनिंग लेते हैं दैट इज वॉट वी आर कंज्यूमिंग आंसर कमिंग फॉर वन सो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम रिटेन रनिंग का इस्तेमाल करते हैं ठीक है देन वी गो फॉर द एक्सटर्नल डेट फाइनेंसिंग उसके बाद हाइब्रिड यूज कर सकते हैं एंड सबसे लास्ट में जब हमको सबसे लास्ट में मौका मिलता है देन वी गो फॉर द एलिमेंट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग ठीक है तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा वॉट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी रिटेन अर्निंग देन एक्सटर्नल डेट फाइनेंसिंग देन हाइब्रिड सिक्योरिटी एंड देन इक्विटी इज गोइंग टू बी द लास्ट वन ठीक है सो सेकेंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ये हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा आई होप दिस इज क्लियर चलो वंडरफुल लेट्स मूव अहेड सो मैंने काफी कोशिश करी कि थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज कर दूं बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं हुए दैट्स वेरी गुड दैट मींस कंसेप्टल क्लैरिटी बहुत अच्छे लेवल की है ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज डिसीजन कम्स इन द एम्बिट ऑफ कहां आते हैं ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन या फिर डिविडेंड डिसीजन कहां पे आएंगे ये चलिए जल्दी से बताइए कैपिटल स्ट्रक्चर जो है एलिमेंट वो कहां पे इंक्लूड किया जाता है सो आई थिंक काफी अच्छी लेवल की प्रिपरेशन हो गई है दैट इज समथिंग दैट आई कैन सी फ्रॉम हेयर काफी अच्छी आपकी तैयारी हो गई है तनुजा बिल्कुल आपने सही आंसर बताया था आई वॉज जस्ट चेकिंग द कॉन्फिडेंस कई बार स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस चेक करना भी बहुत जरूरी है

आप अपने शेयर होल्डर से कह रहे हैं कि भाई हम आपका कंट्रोल ले लेंगे ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इक्विटी कैपिटल ठीक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालने का ये कौन सा मेथड नहीं है डिविडेंड डील मेथड ठीक है डिविडेंड डील प्लस ग्रोथ मेथड ईल टू मेच्योरिटी मेथड ठीक है अर्निंग्स मेथड किरण कुछ वीक नहीं होगा डोंट वरी बिकॉज ज्यादा प्रैक्टिकल आते नहीं है फिर भी मैं कराऊंगा अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप सबकी अच्छी है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सही जाएंगे डोंट वरी अबाउट इट और मैं एक सेशन प्लान कर रहा हूं किरण जल्दी से करा दूंगा डोंट वरी ठीक है लेट सी विनय कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो फाइनेंसिंग डिसीजन है कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होते हैं वो आपके इन्वेस्टिंग डिसीजन होते हैं ठीक है विनय आई होप द डिफरेंस इज क्लियर कई बार मिस हो जाता है नो no प्रॉब्लम

अप्रोक्सीमेटली हमने एक घंटे के अंदर अप्रोक्सिमेटली हम फिफ्टीए क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं यस पिक इज एप्सोलूटली करेक्ट बॉन्ड वैल्यूएशन में हम इल टू मेच्योरिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए वेरी इजी क्वेश्चन कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है

करेंसी स्वैप किस काम आता है वॉट इज द पर्पज ऑफ करेंसी स्वैप वी आर ऑन द फिफ्टी क्वेश्चन वंडरफुल इट्स फॉर हेजिंग द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी वन इफ अ अंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मेजर्ड यूजिंग इंग कैप मॉडल ठीक है और ये फॉर्मूला गिवेन है आर इज इक्वल टू आर एफ फ्री रेट बीटा सिस्टमैटिक रिस्क आर एम माइनस आर एफ वॉट विल र एम माइनस आर एफ रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा आर एम माइनस आर एफ चलिए जल्दी से बताइए वॉट इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट डब्ल्यू एस ऑफ द कंपनी रिस्क फ्री रेट गेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट प्रीमियम द नेक्स्ट डीलिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन आर एम माइनस आर एफ क्या रिप्रेजेंट करता है वॉट इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रीमियम जो डिफरेंसिशनल कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व सीआरआरली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सी आर आर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है वॉट इज दिस वर्क रिडेमशन ऑफ डिबेंचर इशूंग फुल्ली पेड बोनस शेयर

सीआरआर इ यूज ओनली एंड ओनली फॉर जस्ट वन पर्पज दैट इज इशूंग फुल्ली पेड बोनस शेयर और किसी भी काम में सी आर आर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता आप सिर्फ और सिर्फ सी आर आर का इस्तेमाल करते हैं बोनस शेयर इशू करने के लिए इस चीज को याद रखिएगा द पोर्शन ऑफ अर्निंग्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज कॉल्ड एज डैश वेरी इजी क्वेश्चन प्रोपराइटरी रेशियो अर्निंग रेशियो अर्निंग एज कंपेयर टू ईल्ड रेशियो पे आउट रेशियो या फिर रिटेंशन रेशियो वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम रेशियो एनालिसिस विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर एज डिडेंड ठीक है वेरी इजी क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी पे आउट रेशियो ओनली बताता है आपको कि भाई आपने कितना पैसा पे आउट कर दिया है आउटसाइड शेयर होल्डर्स को ठीक है आगे चले विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी अ रीजन फॉर सीकिंग अ स्टॉक मार्केट लिस्टिंग लीस्ट लाइकली सबसे कम रीजन क्या हो सकता है जिसकी वजह से आप स्टॉक मार्केट लिस्टिंग करेंगे ठीक है इनहसमेंट ऑफ कंपनीज इमेज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू अदर यूजर्स इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग ओनर्स कंट्रोल एक्सेस टू वाइडर पूल ऑफ फाइनेंस ठीक है चलिए जल्दी से बताइए वेरी इजी क्वेश्चन अगेन ठीक है द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी थर्ड क्योंकि कंट्रोल जो है वो इंप्रूव नहीं होता है ये एक्चुअली रिड्यूज हो जाता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए बिकॉज अगर आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर रहे हैं तो नए शेयर इशू किए होंगे जैसे अभी नायका ने किए थे NICA ने किए थे तो जो एग्जिस्टिंग ओनर्स है उनका शेयर डाइल्यूट हो जाता है सो दिस इज नॉट वन ऑफ द एलिमेंट्स चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू कैपिटल बजटिंग अगर हम कैपिटल बजटिंग के बारे में चर्चा करें तो इसमें से कौन सा सही नहीं है इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ट्रू कैपिटल इज इज रिलेटेड टू टू एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रेलिवेंट ऑफकोर्स इट्स रेलिवेंट एक्सिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज अ सन कॉस्ट ठीक है यस अदिति करेक्ट करेक्ट शीजा गुड गोइंग सुषमा चलिए जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू कैपिटल बजटिंग ठीक है नॉट ट्रीटेड एज बजेड एस इट इज ट्रीटेड एज पैसा लग गया लग गया अब क्या डिसीजन लेना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज कंप्यूटेड बाय अ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन कैश इनफ्लो बाय पीवी प्रॉफिटेबिलिटी बाय पीवी कॉस बाय इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लोस आउटले सॉरी ठीक है चलिए जल्दी से जवाब दीजिए वी आर ऑन द फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी वॉट जल्दी से आंसर दीजिए वी आर ऑन द फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन आई होप यू आर इंजॉइंग इट काफी सारे लोग बहुत ही टाइमली बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके आंसर दे रहे हैं uh, संध्या संघ कॉस्ट एक्सप्लेन करने का सिंपल तरीका क्या है लेट्स से आपने कोई बुक खरीदी यू परचेज अ बुक ठीक है अब आपने वो बुक खरीद ली आपने उस बुक को सॉल्व करना शुरू किया यू रियलाइज दैट द क्वालिटी ऑफ बुक इज नॉट गुड गलती से आपने वो बुक खरीद ली थी अपनी प्रिपरेशन के लिए अब आपको पता चल गया मतलब एक महीने पढ़ाई करके आपको पता चल गया कि इस बुक की क्वालिटी अच्छी नहीं है अब आपको दूसरी बुक परचेज करनी है ठीक है क्या आप ये सोचेंगे कि यार मैंने तो ये बुक खरीद ली थी मैंने इसमें पैसे लगा दिए थे सौ रुपए लगा दिए थे ठीक है अब मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करना चाहती फॉर माई प्रिपरेशन ठीक है और यू आर गोइंग टू थिंक ठीक है यार इसमें तो पैसे लग गए कोई बात नहीं क्वालिटी अच्छी नहीं मिली मुझे लेट्स गेट अ अ बुक हैज थोड़ा और केयरफुल रहूंगी एंड डिसीजन लूंगी कि मैं एक दूसरी बुक खरीदती हूँ तो कॉस्ट क्या होती है वो कॉस्ट जो ऑलरेडी इनकर कर दी गई है विच इज नॉट रेलिवेंट नाउ अब ये सौ रुपए जो आपने इस बुक के लिए खर्च किए थे ये रेलिवेंट नहीं है जब आप दूसरी बुक खरीद रहे हैं लग गए पैसे काम खत्म हो गया ठीक है सो देर फॉर दिस इज द

ठीक है चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए वी आर ऑन द फिफ्टी सेवन क्वेश्चन पे हम पांच मिनट का ब्रेक लेंगे नेहा इट कुड बी बोथ एंड एक्सप्लिसिट कोई उसका क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है नॉट कैटेगराइज टू दिस कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो पास्ट में इनकर हो गई एक बार इनकर हो गई काम खत्म ठीक है नाउ यू आर नॉट कंसिडरिंग इट इन ऑर्डर टू टेक डिसीजन ठीक है बजटिंग इज रिवर्सिबल डिसीजन होता है चलो लेट्स मूव टू दी एथ क्वेश्चन सॉरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परचेजिंग पावर पैरिटी सिग्निफाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉन्गर आई एम गोन गिव यू टाइम। आराम से रीड करिए स्टेटमेंट्स को बताइए परचेजिंग पावर पैरिटी सबसे बेस्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है ठीक है इज इट द एबिलिटी टू एक्सचेंज वन करेंसी विदर ठीक है स्टेट्स एट द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज इक्म वेन परचेजिंग पावर इज सेम परचेजिंग पावर प्राइस ऑफ द क्वाडिटी से रिलेट करता है वन वन पार्टी ऑफ अट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हैज एन इक्वल डिग्री ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड एस्पेक्ट से रिलेट करता है ठीक है इंफ्लुएंस फॉरन एक्सचेंज रेट ठीक है चलिए प्रॉपरली सोच के जवाब दीजिए सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर फिफ्टी एट क्वेश्चन है हमारा ध्यान रखिएगा देखिए सिंपल सा लॉजिक याद रखिए परचेजिंग पावर पैरिटी पैरिटी मतलब इक्विलिब्रियम पावर मतलब खरीदने की क्षमता क्षमता मतलब प्राइस प्राइस तो जहां पे भी प्राइस और एक्सचेंज रेट का जिक्र हो जाए कि भाई प्राइस और एक्सचेंज रेट को कोरिलेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जा सके वहां पे कीवर्ड आइडेंटिफाई करिए डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है लंबे लंबे आंसर नहीं लिखना है आपको सिर्फ की पता करना है ताकि आप आंसर कर पाए तो हेयर आंसर इज गोइंग टू बी ठीक है गांड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ अ बिजनेस कंसिस्ट जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो किन किन चीजों को इंक्लूड करता है ठीक है इक्विटी प्रेफरेंशियल कैपिटल इक्विटी लॉन्ग टर्म डेट शॉर्ट टर्म लोन इक्विटी कैपिटल डेट कैपिटल इक्विटी प्रेफरेंस एंड डेट कैपिटल मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन है जो चार घंटे का है ये फायदा क्या देता है इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे क्या लगता है कि जनरली आप चार घंटे बैठकर नहीं पढ़ने वाले हैं कुछ भी आप कोशिश कर लीजिए इनफैक्ट मैं भी नहीं पढ़ पाता हूं आपकी क्या बात करूं मैं मैं भी अगर चार घंटे बैठूं तो शायद मैं ना पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा बट यहां पे इस मैराथन के बहाने एटलीस्ट आप 200 क्वेश्चन एक साथ लगा रहे हैं सिंसेरली लगा रहे हैं रहेप्चल क्लैरिटी से लगा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल तो इस चीज को ध्यान में रख के लगाइए एंड आई एम वेरी श्योर इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल

Uh, जो कंट्रोल है वो सबसे लीस्ट डाइल्यूट किया जाए ठीक है थैंक यू सो मच फ्री बर्ड आई एम श्योर कि आज मदद होगी इस सेशन से यस मेगा एप्सोल्यूटली लाइव भी हो रहा है तो आप डाउट्स भी पूछ रहे हैं मुझसे बातचीत भी कर रहे हैं ठीक है सो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ठीक है आगे चलते हैं द रिस्क असेसमेंट मेथड वेयर वन फैक्टर इज केप्टेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सेल्स इज मेजर्ड नाउ देर आर सम स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे इस क्वेश्चन के ऊपर डाउट पूछा था आई थिंक कल या परसों ही डाउट पूछा था आई एम वेरी श्योर की वो इसका सही जवाब देंगे बहुत सारे क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन जो आपके डाउट्स होते हैं वहीं से क्वेश्चन बना देता हूं मैं ताकि आपको एक रिविजन दे सकूं मैं वहां पर ठीक है तो एक रिस्क असेटमेंट मेथड है जहां पे एक फैक्टर को कॉन्स्टेंट रख दिया जाता है एंड सेल्स पे इम्पैक्ट देखा जाता है वॉट इज द फैक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स मीज डाउट आर सेटिंग इन द सेशन तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही जवाब देंगे मेथड है, है, है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है चलिए जल्दी से जवाब दीजिए वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर एक फैक्टर को कॉन्स्टेंट रख दिया गया एंड उसका इंपैक्ट सेल्स पे देखा जा रहा है द आंसर इज गोइंग टू बी सेंसिटिविटी एनालिसिस बिल्कुल ठीक फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच और पॉइंट ऑफ व्यू द मार्जिनल कॉस्ट इज कंपेयर्ड विद द परचेज प्राइस ठीक है ये पहली चीज लिखी हुई है आपके पास रीजन क्या है इफ द मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द दर्चेज प्राइस अगर जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है जो निकल के आ रहा है वो लेस देन द दर्चेज प्राइस है इट शुड बी परचेज रैदर देन मैन्युफैक्चर्ड ठीक है बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को आसान लग रहा है बट आसान है नहीं ठीक है सो वट आर यू गोइंग टू डू ठीक है लेट सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर दीपक कौन से ऑप्शन समझाने एक बार प्लीज बता दीजिए पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्या ठीक है एनालिसिस आपको समझ में आई गया ठीक है एनालिसिस क्या होता है मैंने इसको पहले भी आपके नेट एग्जाम से रिलेट करके बताया था एक है हमारा ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो सबसे बेस्ट सीनेरियो क्या कि आपका नेट भी क्लियर हो जाएगा और जी भी क्लियर हो जाएगा ठीक है एक है आपका न्यूट्रल न्यूट्रल सिनेरियो न्यूट्रल सीनेरियो क्या है कि भाई कम से कम नेट तो हो जाएगा ठीक है सबसे पेसिमिस्ट सबसे नेगेटिव सिनेरियो सबसे बुरा सिनेरियो भाई नेट भी नहीं होगा और जीआरएफ भी नहीं होगा कुछ भी नहीं क्लियर होगा तो जब आप इस तरीके से अलग अलग सीनेरियोस क्रिएट करते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में हमारी क्या परफॉर्मेंस होने वाली है इट्स गोइंग टू बी सिनेरियो एनालिसिस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड आपको पता है रैंकिंग करनी होती है सिमुलेशन मेथड में क्या होता है कि आप एक एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर लेके कुछ वेट्स देते हैं सिमुलेशन का मतलब ही होता है सिमुलेट करना रियल लाइफ सिचुएशंस को तो आप अलग अलग वेट्स रैंडमली चूज करते हैं एंड यू ट्राई टू सी कि लेट से मेरी पांच लाख इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूं अगर रिस्क का परसेंटेज सेवेंटी परसेंट हुआ तो मेरा एनपीवी क्या होगा अगर थर्टी परसेंट हुआ तो मेरा क्या होगा सिमुलेट करके अलग 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 आउटकम्स देखने की कोशिश करते हैं ठीक है सो दैट इज वॉट सिमुलेशन मेथड इज ऑल अबाउट ठीक है आई होप आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम है price, तो आप परचेज थोड़े ना करेंगे manufacture. आप manufacture कर देंगे उस प्रोडक्ट को ठीक है सो ए इज गोइंग टू बी करेक्ट आर इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट ठीक है चले आगे अ सिचुएशन ऑफ कैपिटल राशनिंग प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल ऑप्टिमल कैपिटल बर्टिंग मेथड शाल बी डैश एनपीवी आई आर आर प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर पे बैक मेथड ठीक है सुषमा चलिए जल्दी से जवाब दीजिए इसका कैपिटल रैशनिंग की सिचुएशन है वॉट आर यू गोइंग टू डू यू आर गोइंग टू मेक रैंकिंग प्रोजेक्ट डिविजिबल भी है यू आर गोइंग टू चूज प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड ठीक है थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चले आगे शुड बी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनी रेजेस वन लैख बाई इश्यू ऑफ वन थाउजेंड टेन परसेंट डिवेंचर ऑफ रुपीज हंड्रेड इच एट अ डिस्काउंट ऑफ टू परसेंट दो परसेंट के डिस्काउंट पे एक हजार डिबेंचर इश्यू किए जा रहे हैं टेन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिडीमेबल आफ्टर टेन इयर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द बिलो कैन बी इश्यूड एट अ डिस्काउंट ठीक है चलिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन है ठीक है इक्विटी शेयर्स स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स वेरी गुड इवनिंग मोहित या फिर कन्वर्टेबल शेयर्स तो कई बार क्वेश्चन काफी घुमा के मिलता है तो यहां पे एक क्वेश्चन आपको घुमा के दिया गया है कौन सा शेयर आप डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं एक ही टाइप का शेयर है दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स विच आर इश्यू टू द एम्प्लॉइज

ओनली स्वेट इक्विटी शेयर i i hope you missed sweat ठीक है चलो लेट सी वॉट आर द आंसर इज गोइंग टू बी थर्ड मैनेजमेंट प्रॉब्लम की वजह से अगर सिक हो रहा है तो इससे तो बुरी कोई बात ही नहीं हो सकती द बेसिक कंसिडरेशन फॉर डिविडेंट पे आउट पॉलिसी एक्सक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग किस एलिमेंट को आप एक्सक्लूड करने की कोशिश करेंगे यहां पे? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कंसिडरेशन ठीक है सबसे बेसिक कंसिडरेशन अगर आप देख रहे हैं तो किसको एक्सक्लूड करना चाहेंगे इनमें से ठीक है चलो थैंक यू विनय फॉर डेट इंसाइट ठीक है फोर्थ इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर स्टेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है ठीक है You have to focus on other factors Joe determine the dividend. No problem Feebert. Debt financing is a cheaper source of finance because of Dash. What is the reason? What is the rationale behind debt being a cheaper source of finance? Time value of money incorporate, karta hai. rate of interest, tax deductibility, dividends are not payable to lenders. What is the reason? Very easy question. The reason is very simple tax deductibility of interest. ठीक है। एज पर एनआई अप्रोच रेलिवेंट कैपिटल स्ट्रक्चर वुड द बिलो अप्रोच। रेलिवेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है कौन सा एलिमेंट कवर किया जाएगा हंड्रेड परसेंट डेट हंड्रेड परसेंट इक्विटी कॉम्बिनेशन ऑफ देट बोथ कैपिटल स्ट्रक्चर इज रेलिवेंट ठीक है एक बार जरा थम्सअप दे दीजिए एनर्जी काफी डाउन मुझे नजर आ रही है स्टूडेंट्स की आई थिंक अभी एक सवा घंटे ही हुए हैं एनर्जी काफी डाउन हो गई है किरन सेवेंटीएथ क्वेश्चन के बाद रुकना पड़ेगा आई ऑल्सो नीड अ बट पांच मिनट का ब्रेक लेंगे ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेंगे Don't worry, तब तक आप पानी-वानी पी सकते हैं। ठीक है। चलो, मूव फॉरवर्ड अरिजोनटल सेट ऑफ डिविजन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज सुपर इंपोज ऑन अर्यल फंक्शनल स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट हैं? वर्चुअल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर मैट्रिक स्ट्रक्चर या फिर डिविजनल स्ट्रक्चर तनुजय सिंह जोश इज वेरी हाई थैंक यू सो मच दीपा आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट इट्स बीन वन एंड हाफ आवर्स अप्रोक्सीमेटली तो थोड़ा सा आप लोगों की एनर्जी अप रहेगी तो मेरी भी अप रहेगी ठीक है लेट्स सी वॉट कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर वेरी इजी मैट्रिक्स चलिए लेट्स मूव टू द द क्वेश्चन मोस्ट फाइनेंस सेक्शन इज गोइंग टू एंड इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इज आर ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट द प्रोजेक्ट वुड बी डैश क्या किया जाएगा प्रोजेक्ट के साथ एक्सेप्ट किया जाएगा रिजेक्टेड विथ कंडीशन एक्सेप्टेड विथ कंडीशन रिजेक्टेड वेरी इजी क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रीबर्ड हाइब्रिड वो होता है जैसे जो अभी मॉडल हम एक्सरसाइज कर रहे हैं हाइब्रिड गुड बी एनी थिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर अभी अगर मैं कोविड के टाइम्स में आपको बताऊं तो कुछ लोग ऐसे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो तीन दिन वर्क फ्रॉम होम काम कर रही हैं एंड दो दिन या तीन दिन दे आर वर्किंग फिजिकली फ्रॉम ऑफिस ठीक है तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो होता है जो कोई भी दो कॉम्बिनेशन बना सकता है कोई उसमें रिजिड रूल नहीं है यू कैन क्रिएट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स ठीक है एक्सेप्टेड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर सो वी एप हेयर ठीक है यहां पे गौरव दस मिनट का ब्रेक ठीक so है सो नेक्स्ट सब्जेक्ट हेयर टाइम इज फाइव ट्वेंटी स्टार्ट विथ फाइव थर्टी फाइव ठीक है गौरव ने रिक्वेस्ट करिए दस मिनट का ब्रेक ले लेते हैं दो मैं पहले ही आ जाऊंगा बट आई एम गोना स्टार्ट एट फाइव थर्टी फाइव ठीक है रिज्यूम विद महामैराथन सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग क्या क्या कवर कर लिया हमने इकोनॉमिक्स कवर कर लिया स्टैटिस्टिक्स कवर कर लिया एंड वी हैव कवर्ड फाइनेंस एंड हैल मैनेजमेंट तो चार सब्जेक्ट्स टेक्निकली हमने कवर कर लिए ठीक है चलो अरुणा वी हैव टोटल ऑफ टू हंड्रेड क्वेश्चन चलो लेट्स नाउट गो अवे ठीक है कम बैक आफ्टर टेन मिनट्स Hello, welcome back everyone. So now we are going to start with the subject of uh, marketing. So let's wait for one or two minutes. I am sure that students would be very back soon. Mohit is saying sir, we are charged sir with energies, josh and hosh. That's wonderful. Mohit, Neha happy break. No free word. Matrix and hybrid is not considered to be same. Hybrid can be any co combination. Okay. Neha, please inform once on the Telegram group, please, that we are back now. We are back into the session. <clears throat> and shortly, I'm gonna begin again with the questions on marketing. I hope I am visible, audible, clearly. एक बार प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल विजिबल टू ऑल यस, आई होप आई एम विजिबल नाउ ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल We'll just wait for another one or two minutes and then we'll probably start. चलो आई थिंक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर बैक विनय सिंह सर प्लीज एक्सप्लेन वाई टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विनय वट आई एम एबल टू रिकॉल करेक्टली इज की लीनियर मॉडल इज कम्युनिकेशन वेयर मेजरली द डायमेंशन ऑफ कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस इन वन वे नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू चेक टेक्निकली बट अगर टेलीफोन के बारे में बात करें तो मेजरली जो उसका पर्पज़ होता है वो डिस्कशन करने का नहीं होता है इन्फॉर्मेशन देने का होता है That co could be a probable su substance why it is considered to be an element of linear model of communication. But still, I'll check once again and I'll let you know in the telegram group. Theke? Because see, the examples are meant for various kinds of uh, various kinds of interpretations. So the interpretation has to be checked properly. Or uh, initially when I'm talking about initially, initially when telephones were made, they're only meant to convey things. Now connotation mein baat hai, that will have to be checked properly.

फिजिकल एविडेंस का प्रमोशन का या फिर परफॉर्मेंस का व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर चलिए जल्दी से बताइए वेरी इजी क्वेश्चन दैट्स व्हाई विनय आई सेड दैट आई हैव टू चेक द कॉन्टेक्स्ट मुझे एक बार क्वेश्चन प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा एक वर्ड से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू द एग्जैक्ट रीजन कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा क्वेश्चन का अगर आप मुझे क्वेश्चन पे टैग कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप बी एबल टू लुक एट द क्वेश्चन एंड देव एबल टू गिव एन ऑथेंटिक आंसर और मैं आपको ये बता दूं कि ये भी जरूरी नहीं है कि जो एनटीए ने आंसर दिया हुआ हो वो सही हो कई बार मैंने आपको रिसर्च पेपर्स के थ्रू दिखाया है बिकॉज आई एम टू रिसर्च कि आंसर कई बार गलत होते हैं बट ठीक है जो एनटीए ने आंसर दे दिया आंसर की दे दी वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट बट एटलीस्ट वी कैन बी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट ठीक है तो एक बार क्वेश्चन में प्लीज टैक कर दीजिएगा ठीक है आंसर हेयर इज गोइंग टू बी फिजिकल एविडेंस ये हमारा आंसर हो जाएगा मार्केटिंग अप्रोच बाय रसल कोली एम्स एट ठीक है ठीक है द मार्केटिंग अप्रोच डिवाइस्ड बाय रसल कोहली एम्स एट मेजरिंग रिजल्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट मेजरिंग रिजल्ट ऑफ ओवरऑल प्रमोशनल स्ट्रैटेजी ट्रेनिंग ऑफ सेल्स पर्सनल नफ दीक है मेघा इज एक्चुअली करेक्ट की एक्चुअली इनिशियली जैसे मैंने कहा था कि इनिशियली जो एलिमेंट शुरू हुआ था टेलीफोन का वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए था इट वॉज नॉट अ काइंड ऑफ अ रेगुलर काइंड ऑफ अ डिस्कशन ऑफ़ ठीक है तो इट्स वेरी लाइकली रीजन हो सकता है ठीक है चलो लेट सी कमिंग अप काफी सारे मिक्स आंसर्स आ रहे हैं ठीक है मैं आपको बता दूं कि मेजरली वो एडवर्टीजमेंट के लिए था इट वाज नॉट मेंट फॉर

लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन दोनों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिएगा ठीक है यस सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं वन एंड टू बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेफ लॉकर्स फॉर प्रोटेक्टिंग वन बिलोंगिंग्स फ्रॉम थीव इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश पोजिशनिंग किस टाइप की पोजिशनिंग यहां पे की जा रही है इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल इमोशनल या फिर टेक्नोलॉजिकल ठीक है एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है सेफ लॉकर का ताकि आपको इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स को थीव से बचाया जा सके वॉट इज द काइंड ऑफ पोजिशनिंग है इंटेलिजेंस स्परिचुअल इमोशनल और इज अ टेक्नोलॉजिकल ठीक है द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी इमोशनल ठीक है आप प्रोटेक्टिव होते हैं यू हैव द इमोशन ऑफ प्रोटेक्टिंग योर बिलोंगिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक सॉफ्ट लोन मतलब जो सस्ते रेट्स पे अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको लोन देता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एशियन डेवलपमेंट बैंक चलिए जल्दी से जवाब दीजिए व्हाट डू यू थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर एयर सॉफ्ट लोन सॉफ्ट लोन किसे कहते हैं सॉफ्ट लोन विंडो ठीक है अलॉट ऑफ आंसर कमिंग फॉर सेकंड, सेकंड इज एप्सोलूटली करेक्ट ठीक है द अंडर नोटेड आइटम्स आर कैटेगराइज इनटू टू विच आर द फॉलोइंग इंटरनेशनल प्रोडक्ट डिसीजन फॉर ग्लोबल बिज़नेसेस। ठीक है यस तनुजा एप्सोल्यूटली करेक्ट नाइनटीन में उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी स्ट्रेट एक्सटेंशन प्रोडक्ट अडाप्टेशन कम्युनिकेशन एक्सटेंशन कम्युनिकेशन अडाप्टेशन प्रोडक्शन प्रोडक्ट एक्सटेंशन ड्यूल अडाप्टन एंड इनोवेशन ये सारे जो हमने आइटम्स अभी नोट किए ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन से प्रोडक्ट मार्केट सेगमेंटेशन से प्रोडक्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी से या फिर मार्केट सेगमेंटेशन एंड प्रोडक्ट प्रमोशन से इन चारों में से किस चीज से रिलेटेड है ये आपको बताना है चलिए जल्दी से जवाब दीजिए वेरी वेरी इजी इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है ये सारे के सारे कम्युनिकेशन के एलिमेंट हैं बिकॉज ग्लोबल लेवल पे आप इनको कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं या फोकसिंग ऑन ग्लोबल लेवल ठीक है लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर दैट इज प्रोडक्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी कम्युनिकेशन करने की अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं डायरेक्ट मार्केटिंग इज ए नॉन इंटरक्टिव मार्केटिंग सिस्टम ठीक है नॉन इंटरक्टिव मार्केटिंग है डायरेक्ट मार्केटिंग यूजेस वन ऑफ मोर मीडिया टू इफेक्ट अ मेजरेबल रिस्पॉन्स और ट्रांजेक्शन एट एनी लोकेशन ठीक है ये दो स्टेटमेंट हमारे सामने लेट सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर डायरेक्ट मार्केटिंग एक नॉन इंटर मार्केटिंग सिस्टम है और डायरेक्ट मार्केटिंग एक से ज्यादा मीडिया यूज करता है चीजों को लोकेट करने के लिए ठीक है लेट सी विनय सिंह फोर्थ ओनली सेकेंड इज करेक्ट स बिकॉज डायरेक्ट मार्केटिंग जनरली डायरेक्टली टू दस्टमर्स होती है जैसे पर्सनल सेलिंग होती है इट कैन बी कंसिडर टू बी एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग विच ऑफ द स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी स्किप्ड कौन सा है वैसे तो देखिए कोई भी स्किप नहीं करना चाहिए लॉजिकली बट अदरवाइज इसमें से कौन सा स्किप किया जा सकता है बिजनेस एनालिसिस आइडिया स्क्रीनिंग प्रोडक्ट टेस्टिंग या फिर टेस्ट मार्केटिंग जहां पे मार्केट uh, में टेस्ट करते हैं दैट व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट लेट सी वॉट आर द आंसर कमिंग ऑन द कमेंट्स। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर प्लीज लिखते रहिएगा क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी है ठीक है फोर्थ इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर टेस्ट मार्केटिंग ये आप स्किप कर सकते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग कर लिया आपने अपने इन हाउस डिपार्टमेंट के आप, अंदर आपने फीडबैक ले लिया तो टेस्ट मार्केटिंग आप अवॉइड कर सकते हैं which one of the following refers to two or more unrelated companies put together resources or programs to exploit an emerging market opportunity दो firms आपस में मिल जाती हैं रिलेटेड भी हो सकती हैं अनरिलेटेड भी हो सकती हैं और किसी एक चीज को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगी होलिस्टिक मार्केटिंग हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग हब एंड स्पोक सिस्टम या फिर को ब्रांडिंग ठीक है लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है हब एंड स्पोक सिस्टम

ठीक है एंड देन देन वंस यू आर डन विद दिस एक बार आपने यह कर लिया है तो उसको यूज किया जाता है यार यूजिंग दैट डेटा इन ऑर्डर टू गो अहेड एंड जनरेट सेल्स ठीक है आपके पास डेटा आ गया बिकॉज आपने पास्ट ईयर पेपर कलेक्ट किया था एंड उसके बेसिस पे अब उस डेटा को यूज किया जा रहा है इन ऑर्डर टू कॉल यू इन ऑर्डर टू प्रोक्योर सेल्स ठीक है वेरी प्रोमिनेंट टेक्निक यूज बाय बाई जूस एंड वेरियस अदर कंपनीज एज वेल ठीक है सो वट इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटी कौन क्या यहां पर हम यूज कर रहे हैं वट आर यू यूजिंग एयर चलिए जल्दी से आंसर दीजिए लेट सी काफी सारे लोग होलिस्टिक uh, मार्केटिंग uh, कह रहे हैं होलिस्टिक मार्केटिंग जहां पे आप अलग अलग कॉम्पोनेंट का इस्तेमाल करते हैं यू यूज अलॉट ऑफ कॉम्पोनेंट देर ठीक है चलिए जल्दी से बताइए वट आर दस आई एम गेटिंग अलॉट ऑफ मिक्स आंसर थिंक एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर डोंट मीन अ रश लेट सी ट आर द आंसर मेजोरिटी लोग इसमें दे आर दैट द आंसर शुड बी फोर्थ फोर्थ आंसर कह रहे हैं बट लेट मी टेल यू दिस इज नॉट फोर्थ दिस इज हॉर्जोंटल मार्केटिंग सिस्टम ठीक है आई आई फील दैट इट शुड बी मार्केटिंग सिस्टम बिकॉज यहां देखिए ब्रांडिंग जो पार्ट है दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक पार्ट इट्स अ वेरी स्पेसिफिक एलिमेंट हेर ठीक है क्योंकि आप मार्केटिंग रिलेटेड एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं यहां पे क्या बोला जा रहा है पुट टुगेदर देर रिसोर्सेज ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सप्लॉय एन इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी ठीक है तो प्रोबेबली वो क्या कर रहे हैं कि अपने दोनों रिसोर्सेस बना रहे हैं एंड लॉजिस्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है सो देयर फॉर इट्स नॉट नेसेसरी वो को ब्रांडिंग हो ब्रांडिंग तो होता है कि साथ में आके ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है सो इट्स नॉट गोइंग टू बी को ब्रांडिंग इट्स गोइंग टू बी हॉरिजोनटल मार्केटिंग सिस्टम ठीक है आई सी अट ऑफ एस्पेक्ट हेयर ठीक है दिति डजेंट मैटर अनरिलेटेड हैं रिलेटेड हैं कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लॉजिस्टिक यूज करना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या यूज कर रहे हैं आपने सिर्फ अपने रिसोर्सेज कंपाइल करने है, ठीक है देर इज नो लॉजिक कोई भी इसके अंदर कीवर्ड ऐसा नहीं है जो को ब्रांडिंग बता रहा हो ठीक है आप चाहे आ, मतलब आप सिर्फ रिसोर्सेस को क्लब कर रहे हैं मोनिका नॉट रिलेटेड ये कोई रूल नहीं है देर इज नो सच रूल ऑफ लॉ कि यहां पे रिलेटेड ही होना जरूरी है हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पे होना चाहिए क्या फर्क पड़ता है कि आप रिलेटेड हैं या फिर अनरिलेटेड हैं? अगर मैं अपने लॉजिस्टिक्स कंबाइन करने की बात कर रहा हूं या लेट से मैं अपने फंड्स कंबाइन करने की बात कर रहा हूं इट्स नॉट नेसेसरी ठीक है ठीक है आई होप दिस इज क्लियर द आंसर इज गोइंग टू बी बी हॉरिजोंटल मार्केटिंग सिस्टम ठीक है चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एटियथ क्वेश्चन पे चलते हैं द कोका कोला कंपनी मार्केट्स अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट बेवरेज प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग वाटर बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक जूसेस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स ईच प्रोडक्ट अपील्स टू अ डिफरेंट सेगमेंट दिस इज एन ऑफ ऑफ टाइप ऑफरिंग ठीक है आई होप दिस इज क्लियर चलो आगे बात करते हैं आई डोंट थिंक दैट द आंसर शुड बी को ब्रांडिंग कहीं से भी रिसोर्सेस को कंपाइल करके ब्रांडिंग रिलेटेड एस्पेक्ट नहीं सामने आ रहा है ठीक है रिसोर्स मर्ज करके कुछ भी काम किया जा सकता है इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ थिंग ठीक है अगर आपको लॉजिस्टिक इस्तेमाल करने बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो साथ में मर्ज करते हैं एजुकेशनल स्टार्टअप एंड कार्टून नेटवर्क मर्ज कर जाते हैं आपस में ठीक है डिजनी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल भावना हब एंड स्पोक दो सेगमेंट है एक हब है जो कि डेटा कलेक्शन करेगा एंड देन स्पोक सेगमेंट जो है इट इज गोइंग टू यूज द डेटा आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल स्पोक सेक्शन इज गोइंग टू यूज दैट डेटा इन ऑर्डर टू जनरेट सेल्स ठीक है तो दो सेगमेंट यूज किए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट प्रोक्योर सेल्सर ठीक है कौन से टाइप की मार्केटिंग है डिफरेंशियटेड है टारगेट है अनडिफरेंशिएटेड है या फिर इंटेंसिफाइड मार्केटिंग है ठीक है वेरी इजी टॉपिक लेट सी हू गिवस द करेक्ट आंसर बहुत सारे लोगों ने जवाब देना ऑलरेडी शुरू कर दिया है ठीक है द आंसर इज गोइंग टू भी डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग अलग अलग क्योंकि हम यूज कर रहे हैं ठीक है चलो लेबर वेलफेयर इंप्लाइज द सेटिंग अप ऑफ मिनिमम डिजायरेबल स्टैंडर्ड्स एंड द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज ये लेबर वेलफेयर की डेफिनेशन है सच फैसिलिटीज इनेबल द दर्कर एंड सोशल लाइफ ठीक है चलिए जल्दी से बताइए वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर है लेबर वेलफेयर जो है वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करता है रीजन क्या है ताकि जो फैसिलिटीज मिले वो वर्कर और उसकी जो फैमिली है वो एक अच्छी सी सोशल लाइफ जी सके ठीक है चलिए जल्दी से बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हेयर रीड द क्वेश्चन केयरफुली गिव मी द नंबर ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दीजिएगा मिनिमम स्टैंडर्ड के बारे में बात हो रही है कि मिनिमम स्टैंडर्ड डिटरमाइन किए जाते हैं क्या पर्पज है इनको डिटरमाइन करने का मिनिमम स्टैंडर्ड देने का क्या पर्पज है कि जो फैमिली है और जो पर्सन है वो अच्छा जीवन जी सके क्योंकि अगर उसको फैसिलिटी नहीं देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा ठीक है

सेलिंग एंड मार्केटिंग आर असेंशियली सेम थिंग वेरी इजी क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट से क्वेश्चन है ठीक है चलिए जल्दी से जवाब दीजिए लेट सी आंसर सुपर फुलस वर्ड यूज किया हुआ है प्लीज इससे कंफ्यूज तो येगा ठीक है लेट मी सी द आंसर्स कमिंग अप मतलब जब आप मार्केटिंग करने लगते हैं जब आप मार्केटिंग मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करने लगते हैं तो सेलिंग जो होता है ठीक है वो सुपरफ्लेस हो जाता है अननेसेरी हो जाता है बिकॉज अब आपको प्रोडक्ट को एग्रेसिवली सेल करने की जरूरत नहीं है आप ऑलरेडी प्रोड्यूस ही वही कर रहे हैं जो कस्टमर्स को चाहिए ठीक है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग प्रिंसिपल्स पॉलिसी सॉरी अफर्म चार्जेस हायर इनिशियल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट एंड रिड्यूसड इट्स ओवर अ टाइम एज द डिमांड एट हायर प्राइस इज सेटिस्फाइड ठीक है यस फ्री वर्ड बिल्कुल सही अन हो गया यूजलेस हो गया इंक्रीमेंटल प्राइसिंग स्किमिंग या फिर पेनिट्रेशन प्राइसिंग चलिए जल्दी से बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी प्राइस स्किमिंग ठीक है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेटिंग अ प्राइसिंग पॉलिसी अगर आपको प्राइसिंग पॉलिसी सेट करनी है सो वॉट इज गोइंग टू बी द करेक्ट सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस क्या फॉलो करेंगे वेरी इजी क्वेश्चन डिटरमाइनिंग डिमांड एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स कॉस्ट लेक्टिंग फाइनल प्राइस सिलेक्टिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव एस्टिमेटिंग कॉस्ट सिलेक्टिंग अ प्राइसिंग मेथड चलिए जल्दी से बताइए वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर स्टार्टेड गेटिंग द आंसर सुषमा वो भी एंगल हो सकता है एक ये भी एंगल हो सकता है कि क्योंकि मार्केटिंग में आप ऑलरेडी नीड्स आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट बना रहे सो सेलिंग so करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है इज इज गोइंग टू बी द द करेक्ट करेक्ट आंसर दिस सीक्वेंस ऑफ डिटरमाइनिंग अ प्राइसिंग पॉलिसी विच फॉर्म ऑफ रिटेल आउटलेट हैज द दाइएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट ठीक है सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट कहां होता है गवर्नमेंट स्टोर्स के अंदर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर रिटेल चेन स्टोर के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर जहां पे काफी सारी चीजें मिल जाती हैं एक साथ चलिए द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डिपार्टमेंटल स्टोर बिकॉज ऑपरेटिंग एट अ ह्यूज स्टेज अदिति जो पीडीएफ हैं वो आपको ग्रुप पे ही मिल जाती हैं दे आर अवेलेबल इन द ग्रुप इट सेल्फ टेलीग्राम ग्रुप वहां से पिक कर लीजिएगा ठीक है चलो वंडरफुल लेट्स मूव हेड मिस्टेक ऑफ एलिमिनेटिंग अ गुड आइडिया एक आपको अच्छा आइडिया आया एंड यू एलिमिनेटेड एट द स्क्रीनिंग स्टेज कौन सा एर किया टेस्टिंग एर किया कंसेप्ट एर किया गो एर किया व एर यू है जल्दी से बताइए वेरी इजी क्वेश्चन गुड आइडिया को आपने एलिमिनेट कर दिया यू हैव एलिमिनेटेड दिस एरर सो वॉट यू हैव डन इज अ ड्रॉप एर ठीक है आइडिया आपने ड्रॉप कर लिया है एज पर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट इंडस्ट्रियल रिलेशन का वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री क्विट्स इंप्लॉयमेंट शैल बी बिफोर मतलब एक इंसान जिसको फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है छोड़ देता है या उसको अपने वेजेस जो पेंडिंग है वो कितने टाइम के अंदर दे देना चाहिए वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्सपायरी ऑफ टू मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्विटिंग दो महीने बाद दे दीजिए एक्सपायरी ऑफ सेकंड वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ क्विटिंग एक्सपायरिंग ऑफ वन मंथ एक्सपायरी ऑफ इज वेज पीरियड ठीक है चलिए इसका जवाब दीजिए एटी दी सेवन क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं आई आई एम एम श्योर दैट यू आर एंजॉइंग द सेशन ठीक है लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर थोड़ा से मिक्स आंसर आने की उम्मीद यहां पे नहीं इतना टाइम नहीं देते हैं विनीता एक महीने का टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि क्विट कर दिया है उसने तो उसको अपना घर चलाने के लिए टाइम चाहिए होगा विल बी नीडिंग सम टाइम देयर ठीक है तो सेकेंड वर्किंग डे के अंदर आपको दे देना होता है सेकंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ठीक है एंड दिस इज एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट एट ठीक है तो सेकंड जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वर्किंग डे में आपको दे देना चाहिए इतना टाइम नहीं लगाना है एक महीने छह महीने नहीं लगाने है ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड रैशनल बाइंग मोटिव्स डेट डिटरमाइन परचेज डिसीजन आर मोस्टली बेस्ड ऑन ठीक है किस चीज पे ये बेस्ड होते हैं कल्चरल फैक्टर्स के ऊपर

कार्ट्रिज एंड ब्लेट पता है आपको द इंडिविजुअल प्राइस ऑफ कार्टरेज इज हाइयर इट सेल्फ कार्टरेज का जो प्राइस होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रेजर सील बेड प्राइसिंग है ये कैप्टिव प्राइसिंग है प्राइस किमिंग है या फिर परसिव वैल्यू प्राइसिंग है ठीक है चलिए जल्दी से बताइए वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर हेयर क्या हमारा सही आंसर होना चाहिए यहां पर वेरी इजी क्वेश्चन क्या हो जाएगा इट गोइंग टू बी कैप्टिव प्राइसिंग ठीक है अलॉट ऑफ दैट द सर्विकुअल मॉडल डील्स विथ विच ऑफ द बिलो मैंशन एलिवेंट सर्विकल मॉडल किस चीज से डील दिल करता है ग्रीन मार्केटिंग से टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट से क्वालिटी ऑफ सर्विस से या फिर रिटेलिंग से ठीक है चलिए जल्दी से बताइए वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर है सर्विक्यूल मॉडल नाम में ही पता है सर्विस रिलेटेड टू क्वालिटी ठीक है तो क्वालिटी ऑफ सर्विस से डील करता है चार पांच सेगमेंट्स में डिनोट करता है कि आप कैसे मेजर कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस को ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड सो वी आर डन विथ द सेगमेंट ऑफ मार्केटिंग नाउ वी आर मूविंग टू इंटरनेशनल बिजनेस ये सुषमा एप्सोल्यूटली करेक्ट चलिए आईबी पे चलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस पे वे मूविंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट नाउ आई होप मार्केटिंग पसंद आया हो एक बार थम्सअप दे दीजिए द मार्केटिंग इज ओवर ठीक है ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइटल सोर्स ऑफ फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस टू कंट्रीज ठीक है कौन सा एक वाइटल सोर्स ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल भी और टेक्निकल भी दोनों प्रोवाइड करता है ये ध्यान रखिएगा आईएमएफ है वर्ल्ड बैंक है मीगा है या फिर आईडीए है ठीक well है टेक्निकल एज वेल एज फाइनेंशियल गुड गोइंग विनय अपूर्वा वेरी गुड गोइंग ठीक है अब मैं देख पा रहा हूं कि स्टूडेंट्स को कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी अच्छी लेवल की हो गई है देर डूइंग वेरी गुड काफी सारे स्टूडेंट जो है वो ब्रेक के बाद गायब भी हो गए हैं प्रॉब्लम तो काफी टायर्ड हो गए होंगे आई कैन अंडरस्टैंड बट बाकी लोग जो बने हुए हैं उनको पता चल रहा है कि भाई उनकी कैसी प्रिपेरेशन है सब्जेक्ट वाइज ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक क्योंकि फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल लिखा हुआ है द ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन द बी ओ पी विच वॉज गिवेन एज अ जस्टिफिकेशन टू अवॉइड थ्योरी इज नोन एज डैश ठीक है यहां आया एक कंसेप्चल क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा एब्सोलूट एडवांटेज कंपेरेटिव एडवांटेज प्राइस पेसिफ्लो मैकेजम गोल्ड स्टैंडर्ड ठीक है चलिए दिमाग लगाइए यहां पे क्वेश्चन के अंदर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट जो हो रहा था उसका एक जस्टिफिकेशन दिया गया था गुड गोइंग डेट्स अ वेरी गुड स्कोर should be a correct answer? Read the question carefully. Don't be in a rush. बिल्कुल रश में मत रहिए ठीक है द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी प्राइस फ्लो मैकेनिज्म करो डेविड ह्यूम वंडरफुल मौसमी डेविड ह्यूम ने ये थ्योरी दी थी कि ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाएगा अगर आप इनिशियली मर्केंटरिज्म थ्योरी फॉलो करते हैं तो एक कंट्री के पास बहुत ज्यादा गोल्ड हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा इन्फ्लेशन हो जाएगा तो प्राइस हो जाएगा प्राइस बढ़ जाएगा, जाएगा प्राइस बढ़ जाएगा तो इनिशियली एट द लेटर स्टेज वॉट इज गोइंग टू हैपन द एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू गो डाउन इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाएंगे ठीक है

फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर्सोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का पार्ट कौन कौन सा है रीजनेबल चांसेज एंड प्रॉपर सिस्टम ऑफ अम्पलिशमेंट एंड प्रमोशन टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेस इवन वेन देर इज अलर्स मार्केट इंप्रूविंग दफिशियंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड एंड रिड्रेस जेन्यन ग्रीवेंसेज ठीक है क्या सही आंसर होगा जल्दी से बताइए ठीक नाइन्टी फाइव क्वेश्चन वी आर ऑन द नाइनटी फाइव क्वेश्चन इसमें से जनरली कॉम्प्रेहेंसिवली सी एस आर का पार्ट कौन कौन सा हो सकता है ठीक है देखिए रीजनेबल ऑफ प्रोशन सिस्टम का पार्ट है सीएसआर का पार्ट नहीं होगा ठीक है एफिशियंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है यह भी आंसर नहीं होगा द आंसर इज गोइंग टू बी बी एंड डी ओनली इंडिया बीओपी इज पब्लिश इन विच ऑफ द बिलो मेंशन एलिमेंट्स कहां कहां पब्लिश किया जाता है बीओपी का जो स्टेटस है आरबीआई बुलेटिन के अंदर डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट के अंदर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बोथ ए एंड सी दैट मींस आरबीआई बुलेटिन एंड इकोनॉमिक सर्वे चलिए जल्दी से बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर इट्स एन इजी क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज फोर्थ ए एंड सी आरबीआई बुलेटिन और इकोनॉमिक सर्वे दोनों जगह इसको कवर किया जाता है इट इज कवर्ड एट बोथ द प्लेसेस ठीक है प्लीज एक दूसरे का देख के आंसर मत करिए डोंट मेक दैट मिस्टेक ठीक है हिमांशु करेक्ट मोनिका गुड गोइंग विनीता मेघा अपूर्वा फेंटास्टिक द ब्रांडिंग लाइन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांडिंग लाइन क्या है यह आपको बताना है यहाँ पे इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इंडियाज मल्टी मल्टीनेशनल बैंक वर्ल्ड लोकल बैंक डायरेक्ट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम बैंकिंग इंटरनेशनल बैंकिंग भी कह सकते हैं आप सेकेंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस इट्स नोन एज इंडियाज इंटरनेशनल बैंक गूगल मार लीजिएगा भाई ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है ठीक है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक कहते हैं इसको ठीक है यू कैन गूगल इट योअर सेल्फ टू क्रॉस चेक ब्रांडिंग ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इज नोन एज इंडिया ब्रांडिंग पूछ रहा हूं मैं ठीक है बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर आप ब्रांडिंग करते हैं तो इस तरीके से आप फेमस हैं जैसे आई डी एफ सी का है इंडिया फर्स्ट बैंक ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अ बैंक डिपोजिट फॉर द गुड्स फॉर द सोल्ड गुड्स इन कंट्री वुड बी रिकॉर्डेड इन बी ओपी ऑफ दैट कंट्री एज कहां रिकॉर्ड किया जाएगा वेर इट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड ट अकाउंट डेबिट इन करेंट अकाउंट क्रेडिट इन कैपिटल ठीक है बैंक डिपोजिट हुआ है फॉर द सेल ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड किया जाएगा वेयर इट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड फैक्चुअल डिफिकल्ट होते ही है जानबूझ के डाले जाते हैं जानबूझ के कुछ डाले जाएंगे ताकि आपको हर लेवल ऑफ क्वेश्चन को करने की आदत हो सुषमा होता क्या है कि हमारा माइंडसेट जो है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को परसीव करने की कोशिश करता है जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस किए होते हैं ठीक है थोड़ा सा भी क्वेश्चन घूमता है वी मेक मिस्टेक्स नवर द लेस लर्निंग की तरह लीजिए एग्जाम में हेल्पफुल होगा बालिसा इंडेक्स इज ऑफन यूज एज अ टूल टू मेजर डैश क्या हेल्प करता है वॉट इज यूज फॉर क्या काम में आता है रिलेटिव ट्रेड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज इन पर्टिकुलर कमोडिटीज ठीक है टिव कॉस्ट एडवांटेज ऑफ नेशन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या फिर एडवांटेज एक इंडेक्स है जो हेल्प करता है कुछ मेजर करने के लिए सी कम्स आउट बी द करेक्ट आंसर सोच समझ के जवाब दीजिए ठीक है कंपेरिजन तो करता है कंट्रीज के बीच में बट रेलेटिवरिजन करता है मैंने एक उठा लिया, उसके बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस कंपेयर कर ंग दोइ इज नॉट एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इनमें से कौन सा नहीं है आई एम एफ आई बी आई डी ए डी बी एशियन डेवलपमेंट बैंक और आई एफ आर एस चलिए जल्दी से जवाब दीजिए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात नहीं हो रही है ठीक है वी आर ऑन द हंड्रेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन विथ हाफ ऑफ टूडेज मैराथन इन अप्रोक्सीमेटली टू आवर्स तो हम बिल्कुल सही चल रहे हैं टाइम के कॉन्टेक्स में वेरी गुड गोइंग नो प्रॉब्लम नेहा आई एम श्योर कुछ कुछ नई नई चीजें भी पता चलेंगी आपको सो वे आर डन विथ हंड्रेड क्वेश्चन लेट्स मूव अड आगे चलते हैं लेट्स नॉट स्टॉप हेयर क्वांटिटेटिव इम्पोर्ट येस मौसमी सो वे आर मूविंग वेरी राइट ऑन टाइम तो आपको प्रैक्टिस भी हो रही होगी बहुत अच्छी आई एम श्योर मजा आ रहा है मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा स शिशुलिटली करेक्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बीइंग इंपोर्टेड इसको क्या कहेंगे इम्बागो कोटा ट्रेड या फिर इंपोर्ट टैरिफ ठीक है चलिए जल्दी से बताइए इसको कोटा कहेंगे कोटा इज द करेक्ट आंसर रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक अग्रीमेंट अमंग यूएसए कैनेडा मैक्सिको ये तीन प्लेसेस पे अग्रीमेंट किया गया है इसको एक नाम से जाना जाता है वॉट इज दिस नेम कॉल्ड नेमेन फ्री ट्रेड रीजन नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इज इट नॉर्थ अमेरिकन फ्री एंड टैरिफ ट्रेड अग्रीमेंट सो दीज आर द फोर चलिए जल्दी से जवाब दीजिए वेरी इजी क्वेश्चन नफ्ता के नाम से जाना जाता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड सेकंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर विन इज वेरी क्विक विन गुड गोइंग तो आज जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड कर रहे हैं आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन नॉट स्टैंड बाय ऑन नेट यू विल क्रॉस दैट बार एंड यू विल ट्राई टू गेट ऑन जे आप सब लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सब लोग द दर टीम इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आई एम श्योर आपको हेल्प मिले इससे एंड आप जे आर एफ तक पहुंच सकें ग्लोबलाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द बिलो मेंटल फैक्टर ठीक है कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर डालते हैं हम इसको सोशल इकोनॉमिक लीगल या फिर पॉलिटिकल ठीक है चलिए जल्दी से बताइए तनुजा करंटली कुछ भी हो एक्चुअली होता क्या है कि जो नेट वाले हैं वो थोड़ा स्लो चलते हैं अगर कोई प्रोफेशनल एग्जाम हो रहा होता तो जरूर मैं पेपर टू में करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करता ठीक है बट अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू फोकस बिकॉज वो बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स से अपडेटेड नहीं रहते हैं ठीक है अपार्ट फ्रॉम द पेपर वन टॉपिक ठीक है तो बहुत ज्यादा रिसेंट करंट अफेयर्स को आप छोड़ सकते हैं डोंट गेट इनटू दैट कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है चलिए वेरी इजी क्वेश्चन इकोनॉमिक इज इज गोइंग टू बी द द करेक्ट आंसर ऑफ ऑफ फॉलोइंग एन एडवर्स इंपैक्ट ग्लोबलाइजेशन ऑन द इकॉनमी देखो ये एक बच्चों वाला सवाल स्कोर कराने के लिए इंप्लॉयमेंट जनरेशन ग्रोथ ब्रेन ड्रेन इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडवर्स इफेक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का हैज हैपेंड एज अडवर्स इंपैक्ट क्या हुआ है ब्रेन ड्रेन हुए लोग छोड़ के चले जाते हैं ठीक है इफेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड लीड्स टू विच ऑफ दर हम एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर रहे हैं ठीक है ऐसी रिड्यूस कर सके सो वट आर वी एक्चुअली डूंग्रीज इन ट्रेड सरप्लस इंक्रीज इन ट्रेड डेफिशियंक्रीज इन ट्रेड सर प्लस और नो इफेक्ट ठीक है ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आई क्लियरली रिमेम्बर डेट बट क्योंकि रिविजन है मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं

कंट्री का वेटेज है मोस्ट वेलकम विन है लुकिंग फॉर्वर्ड टू वंडरफुल डियर स्टूडेंट्स वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट बहुत उम्मीदें हैं आपसे जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं उम्मीद करता हूँ इनफैक्ट जब आप पेपर कर लेंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे जरूर बताएंगे हाउ हेज बीन देपर देर आर सम फैकल्टीज ऑल्सो हुई द इन्फॉर्मेशन टू यू वेरी सुन एक बार एडमिट कार्ड आ जाए प्रॉब्लम अगर सेम सेंटर पर तो मुलाकात भी कर लेंगे ठीक है जैपनीज एन चाइनीज युआन यूरो ब्रिटिश पाउंड ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज यूरो ठीक है इंटरनेशनल बिजनेस एक्सक्लूड विच ऑफ दीस इंटरनेशनल बिजनेस के जब बारे में बातचीत होती है तो हम किसको एक्सक्लूड कर देते हैं वेरी गुड गोइंग फ्री वर्ड कमर्शियल ट्रांजेक्शन को अक्रॉस नेशनल बाउंडर्स बॉर्डर्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल विद इन अ कंट्री प्रोवाइडिंग सर्विसेज अब्रॉड किस चीज को एलिमिनेट किया जाएगा वट आर यू गोइंग टू एलिमिनेट ठीक है चलो लेट सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर वेरी इजी क्वेश्चन थर्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल विद इन अ कंट्री बाउंड्री है ठीक है नहीं होगा पार्ट इट इज नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस द सिटीजन ऑफ ईच कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन आर रिप्रेजेंटेड बाय कोई ना कोई कंट्री जो होती है उसका कुछ रिप्रेजेंटेटिव जरूर होता है ठीक है वो आपको बताना है यूरोपियन सिस्टम ऑफ बैंक्स यूरोपियन यूरो सिस्टम, यूरोपियन कमीशन ठीक है चलिए जल्दी से बताइए व्हाट शुड बी द आंसर दर ठीक है पार्लियामेंट हो जाएगा ये इलेक्टेड लोग होते हैं जो जाते हैं हमारी बातें बताते हैं वहां पे, हमारा हमको रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे, ठीक है लेट सी सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस सेशन के लिए आगे भी सेशंस होते रहेंगे ठीक है, काफी सारे मिक्स डांसर्स आ रहे हैं आई थिंक कुछ मिक्स आंसर्स आ रहे हैं ठीक है देखिए जो पार्लियामेंट होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है जो पार्लियामेंट होता है इट इज रिप्रेजेंटेटिव कि वो आपके व्यूज को वहां पे बताता है ठीक तो है तो यूरोपियन पार्लियामेंट शुड बी द करेक्ट आंसर फैक्चुअल क्वेश्चन है घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है चलो आई आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर लेट्स मूव अहेड फ्री बर्ड फैकल्टीज गिव द एग्जाम बट दे डू नॉट अपियर फॉर द एग्जाम मतलब वो एग्जाम के लिए अपियर नहीं करते हैं, सिर्फ पेपर का लेवल देखने के लिए जाते हैं ठीक है सो डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है ठीक है चलो आई होप दिस इज क्लियर यस नेहा देखिए पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है फ्री uh, बर्ड मैंने आपको बता दिया हम एग्जाम देने जाते हैं बट वी डू नॉट अपीयर फॉर द सेम मैं आपको बाद में स्कोर भी दिखा दूंगा अगर आप कहेंगे तो जो फैकल्टीज होती हैं वी जस्ट गो देयर टू सी दैट व्हाट इज द द लेवल ऑफ एग्जाम्स व्हाट आर चैलेंजेस बाय स्टूडेंट दैट्स इट ठीक है चलो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी इज अ फॉरम फॉर द इंटायर द ट्रेड पॉलिसी ऑफ ऑल डब्ल्यू टी ओ मेम्बर्स ठीक है इसलिए यह बनाया जाता है द डब्लू टी ओ एडमिनिस्टर्स द ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म ठीक है ये दो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए जल्दी से आंसर कर दीजिए हाँ हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि पेपर का हमें लेवल पता चल जाए कि क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं फॉर एग्जाम्पल जब आप रीडिंग कॉम्परेंशन करते हैं तो रीडिंग कॉम्परेंशन में आपको शिफ्ट करना पड़ता है अपने मॉनिटर की स्क्रीन को अब ये चीज हमें तब तक नहीं पता चलेगी जब तक हम एक्चुअली जाके उसको फेस नहीं करेंगे ठीक है हम जब जाके देखते हैं तो हमें लगता है कि क्या सॉल्यूशन हम दे सकते हैं सो दैट इज वाई वी ट्राई कि भाई हम एग्जाम जरूर दें एक एक्सपीरियंस करें हम एग्जाम का बट ऑफकोर्स आप लोगों ने ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो अदरवाइज भी हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आपकी होगी ठीक है चलो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस बोथ द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट दोनों बिल्कुल ही ठीक है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा इसका ईयर बता सकते हैं तो प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था इसका ऑब्जेक्टिव क्या है व्हाट वाज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मीगा ठीक है चलिए जल्दी से बताइए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मीगा एंड दिस प्रोबली इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर योर इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस का आखिरी सवाल होना चाहिए ये थैंक यू सो मच मोनिका आप सबके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे हमारी सारी मेहनत जो है सबकी वो सफल हो जाएगी ठीक है आप सबका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए बस वेरी गुड पूनम 1988 में सेट हुआ था करेक्ट आंसर क्या है अब ये बता दीजिए हिमांशु सिंह सर देन डोंट मार्क आंसर बिकॉज इफ यू आंसर यू विल बी द दन इन सिक्स हिमांशु मैं नहीं मार्क करूंगा भाई बता तो रहा हूं मैं मैं क्या करूंगा क्लियर करके पहले ये बताइए आई ऑलरेडी है जे आर इन कॉमर्स

ठीक है यू शुड बी कॉन्फिडेंट अपॉन यू डोंट वरी कि कौन एग्जाम दे रहा है कौन नहीं दे रहा दैट बी योर योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है आपका इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि मैंने तैयारी अच्छी करी है सर ने मुझे तैयारी अच्छी कराई है मैं एग्जाम क्रैक करके आऊंगा ठीक है आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है जो आपको छह सेट ठीक है चलो छोटा सा मोटिवेशनल बूस्टर uh, मेरी साइड से चलो लेट्स मूव अहेड अब जो हम सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं इट्स अ वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट दट इज अच ओ बी एंड बिजनेस मैनेजमेंट बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है लेट सी कैसा परफॉर्म करते हैं आप ठीक है एंड एक बार प्लीज थम्स अप दे दीजिए जस्ट गिवे गिव एन आइडिया कैसा लग रहा है सेशन आर यू इंजॉइंग इट और नॉट ठीक है देट ऑफ आई थिंक क्योंकि एच आर ओ बी और बी एम बहुत बड़ा सेक्शन है इसलिए इसके पचास क्वेश्चन है कंबाइन करके सॉरी चालीस क्वेश्चन है कंबाइन करके उसके बाद वी आर गोना टेक अनदर ब्रेक उसके बाद एक और ब्रेक लेंगे हम दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट ब्रेक ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड आगे चलते हैं यहां थोड़ी से गलते हुए गलत हुए क्वेश्चन लोगों के आईबी में ठीक है चलो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग पीपल हु अप्रोच ऑन देयर ओन जो अपने मन से आ जाते हैं कि भाई हमको रख लो ठीक है थैंक यू सो मच तनुजा कैजुअल कॉलर्स कहते हैं इनको सेल्फ रिक्रूटमेंट कहते हैं गेट हायरिंग कहते हैं इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज कहते हैं ठीक है आई होप आपको ये भी सब्जेक्ट पसंद आएगा एंड देखिए सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करने का एक ही रीजन था कि आप इवेल्यूएट कर सकें कौन से सेक्शन में आपको मेहनत करने की जरूरत है ठीक है चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए वेरी इजी क्वेश्चन द आंसर इज गोइंग टू बी गेट हायरिंग गेट पे लोग आए आपने उनको हायर कर लिया इवेंचुअली मैनेजर्स गेट प्रोमोटेड टू द लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस आप एक टाइम के बाद एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जिसके बाद आपकी कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे ग्रोथ नहीं होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है दैट यू आर नॉट गिवन प्रमोशन बेस्ड ऑन योर स्किल्स बट बेस्ड ऑन योर सीनियोरिटी कितने साल आपने काम कर लिया है ठीक है जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता ठीक है सो दिस इज नोन एज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स विच इज पीटर प्रिंसिपल ठीक है द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन मैं दोबारा बता दूं एचआर बिजनेस मैनेजमेंट ओबी तीनों के क्वेश्चंस यहां पे कवर किए हुए हैं नेहा द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज पार्ट ऑफ ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जनरल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट ठीक है विनय हर्बर्ट प्रिंसिपल जो है हर्बर्ट साइमन का कंसेप्ट है बाउंडेड रेशनैलिटी वहीं से डिराइव होता है उसी को कई लोग हर्मन साइमन प्रिंसिपल कह देते हैं कि यू विल ऑलवेज फोकस ऑन द गुड ठीक है यू विल बी बाउंडेड बाई टाइम यू विल बी बाउंडेड बाई एफर्ट्स यू विल बी बाउंडेड बाई रिसोर्सेस तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको एक गुड ऑल्टरनेटिव समझ में आ जाता है ठीक है तो यू विल नॉट गो फॉर द बेस्ट वन आप गुड के हिसाब से चले जाएंगे यही बाउंडेड रैशनलिटी का कंसेप्ट है गिवन बाय हर्बर्ट साइमन ठीक है आई होप दिस इज क्लियर साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेम टर्म ग्रेप वाइन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बहुत ही आसान से क्वेश्चन फॉर्मल हॉरिजॉन्टल इनफॉर्मल या फिर वर्टिकल वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर इट गोइंग टू बी इनफॉर्मल ग्रेप वाइन है ठीक है काफी सारे आंसर आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ ठीक है देखिए कुछ क्वेश्चन ईजी आएंगे वहां पर अपना टाइम सेव करिएगा जो क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स लगे वहां थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दीजिएगा बट कोशिश ये होनी चाहिए कि एक मिनट से ज्यादा टाइम आप ना दें किसी भी क्वेश्चन के अंदर यस विनय कह सकते हैं आप फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के कुछ इवेंट्स हैं जो आपको बताने हैं कस्टमर ओरिएंटेशन एंड इंप्लॉय पॉलिसीज क्वालिटी ओरिएंटेशन डायरेक्टिंग मोटिवेटिंग डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट सर्विसेज रिस्पॉन्बिलिटीज रिएक्शन टू कॉम्पिटिटर्स ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स नेशन रोल एम्बिगिटीज ट्रेड यूनियन एंड पॉलिसीज ठीक है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के इंपॉर्टेंट कैरेक्ट्रिस्टिक्स इवेंट्स क्या होंगे इसमें से ठीक है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन <coughs> सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा ठीक है द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए बी सी डी रोल एम्बिग्यूटीज ये कोई इवेंट नहीं होता है ठीक है प्लेसमेंट एम्स एट प्लेसिंग राइट मैन एट द राइट जॉब इट इज एन अटेम्प्ट टू कोरिलेट जॉब रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस कॉन्टेक्सट प्लेसमेंट बींग अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस शुड कम आफ्टर प्लेसमेंट कब होना चाहिए किसके बाद आएगा रिक्रूटमेंट के बाद आएगा सिलेक्शन के बाद आएगा ट्रेनिंग के, के बाद आएगा या फिर डेवलपमेंट के बाद आएगा चलिए जल्दी से बताइए वेरी इजी क्वेश्चन

Very easy, without a doubt, controlling is going to be the correct answer. Who among the following is associated with human relations approach of industrial relation? Human relations approach is also known as the father of human relations. Charles A. Myers, Dale Yoder, Michael Poole, or Elton Mayo. Very easy question. ठीक है वी आर ऑन हंड्रेड एंड सेवनटीन क्वेश्चन आई होप यू आर रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली एल्टन मायो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट्स मूव फॉरवर्ड विच द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर पर्सनल इंजरी पर्सनल इंजरी के अंदर इनमें से किसको हम नहीं कवर करते हैं नर्वस शॉक मेंटल स्ट्रेन लॉस ऑफ मनी ब्रेक डाउन ठीक है चलिए जल्दी से बताइए वेरी इजी क्वेश्चन लॉस ऑफ मनी इसको हम नहीं कवर करते हैं ये कोई पर्सनल इंजरी नहीं है अगर क्लोजर होने की वजह से या फिर लॉकडाउन लॉकआउट uh, होने की वजह से अगर बंद हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड हंड्रेड एंड नाइनटीन क्वेश्चन द फेलियर और रिफ्यूजल ऑफ एन एम्प्लॉयर टू इंप्लॉय द इंप्लाइज परमानेंटली ड्यू टू गवर्नमेंट रूल गवर्नमेंट ने कुछ रूल लगा दिया है अपना जिसकी वजह से इंप्लॉयर जो है वो इंप्लॉय नहीं कर पा रहा है क्या कहेंगे इसको ले ऑफ लॉकआउट क्लोजर या फिर स्ट्राइक सोच समझ के जवाब दीजिएगा कई बार क्वेश्चंस आसान लगते हैं बट थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं सो रीड इट केयरफुली बहुत ध्यान से पढ़िएगा ठीक है आदित्य रीड द क्वेश्चन अगेन ठीक है क्वेश्चन रीड करिए प्लीज प्रॉपरली फेलियर और डिफ्यूज ऑफ एन एम्प्लॉयर टू इम्प्लॉय दॉ पर्मनेटली ड्यू टू गवर्नमेंट रूल देखो कोई क्वेश्चन नहीं पड़ रहा है नो बडी इज रीडिंग द क्वेश्चन सिर्फ याद है हाँ, पास्ट ईयर लगाया हुआ है तो चलो ले ऑफ पे मार्क कर देते हैं परमानेंटली ड्यू टू गवर्नमेंट रूल लिखा हुआ है ना देर फॉर इट इज गोइंग टू बी क्लोजर क्लोजर इज अर्मानेंट क्लोजर ऑफ द बिजनेस लगा देते हैं जिसको ठीक है सो प्लीज रीड द क्वेश्चन आंसर इज गोइंग टू बी क्लोजर लॉकआउट टेम्पररी होता है क्लोजर परमानेंट होता है ले ऑफ होता है कि सिर्फ इंप्लॉई को बंद किया है ठीक है ना रिफ्यूजल कर रहा है ठीक है आई होप दिस इज क्लियर नाउ प्लीज प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली ठीक है सबकॉन्शियस माइंड से मत आंसर करिए एज पर जोहारी विंडो द क्लोज एरिया इज एक्सप्ले बाय ऑफ द फॉलोइंग जोहारी विंडो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरी गुड नेहा क्लोज्ड एरिया किससे रिप्रेजेंट होता है किस एलिमेंट से आप क्लोज्ड एरिया को

रीड इट केयरफुल क्लोज एरिया लिखा हुआ है ठीक है क्लोज एरिया के बारे में यहां पे चर्चा हो रही है प्लीज डो नॉट गेट कंफ्यूज ठीक है आई होप यू आर रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली क्लोज एरिया पूछा हुआ है वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्लोज एरिया अननोन नहीं है क्लोज एरिया और अननोन एरिया में अंतर होता है प्लीज बी वेरी क्लियर ठीक है हमने अननोन एरिया नहीं पूछा है अननोन एरिया होगा जो किसी को नहीं पता होगा ठीक है क्लोज का मतलब ये छुपाना बंद करके रखना यू आर ट्राइंग टू हाइड इट ठीक है ना हिडन भी कहते हैं इसे ठीक है हिडन एंड क्लोज एरिया आर वन एंड द सेम थिंग दैर द आंसर इज गोइंग टू बी थर्ड ठीक है प्लीज डो नॉट गेट कंफ्यूज फोर्थ होगा अनोन एरिया जो किसी को भी नहीं पता होगा ठीक है चलो लेट्स मूव अहेड अ सिचुएशन वेर मल्टीपल टास्क आर गिवन टू एन इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल को आपने काफी सारे काम पकड़ा दिए हैं एक साल साथ तो इसको क्या कहेंगे वॉट इट इज नोन एज ठीक है कोचिंग इन बास्केट ट्रेनिंग अंडर स्टडी या फिर इंटर्नशिप ठीक है चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आंसर इज गोइंग टू बी इन बास्केट ट्रेनिंग जो मैनेजर्स को प्रोवाइड की जाती है कि भाई इनको ट्रेनिंग भी लेनी है इनको खुद का भी काम करना है ठीक है इनको सुपरवाइज भी करना है ऑल ऑफ आर देयर मल्टीपल थिंग्स द टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप टू ब्रिंग इंडिविजुअल थिंकिंग इन लाइन विद द ग्रुप थिंकिंग आप अपनी सोच को ग्रुप थिंकिंग पे लेके आ जाते हैं इसको क्या कहते हैं कॉपरेशन कॉर्डिनेशन कंसेंसस या फिर लेवलिंग इफेक्ट चलिए जल्दी से जवाब दीजिए वेरी इजी क्वेश्चन अपनी थिंकिंग को किसी दूसरी थिंकिंग के लाइन में लेके आ रहे हैं तो सो so, क्या कहा जाएगा वॉट इट इज कॉल्ड एज वेरी इजी आई थिंक अगर आपने थोड़ा सा भी प्रॉपरली पढ़ा हुआ है ग्रुप आ, ग्रुप नॉर्म्स वाला चैप्टर ग्रुप थिंकिंग वाला चैप्टर तो आप इस क्वेश्चन को सही से एक्सप्लेन कर पाएंगे ठीक है लेट सी आर द आंसर्स कमिंग अप काफी सारे आंसर्स फोर्थ के लिए आ रहे हैं ठीक है आई थिंक इट्स वेरी क्लियर लेट मी जस्ट गो थ्रू नेहा इज आस्किंग सर प्लीज एक्सप्लेन अंडर अंडर स्टडी स्टडी नेहा का क्या मतलब है आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं यू आर वर्किंग अंडर सामबडी लेट से कि uh, कल को वो टीचर एबसेंट हो जाता है लेट से दटलर पर्सन इज एबसेंट तो आप उसकी जगह वो काम कर सके फॉर एग्जाम्पल अभी जो मुझे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक्षा याद आ रहा है कि स्कूल में पीटी टीचर्स होते थे ठीक है जो आपकी प्रेयर्स एंड सारी चीजें कराते थे हैंडल कराते थे सुपरवाइज कराते थे ठीक है आई एम श्योर आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी ठीक है जिस दिन पीटीआई टीचर या स्पोर्ट्स टीचर मिसिंग होता था उस दिन जो स्पोर्ट्स कैप्टन होता था ठीक है या जो भी काउंसिल के लोग होते थे जो काउंसिल uh, मेंबर्स होते थे या जो डिसिप्लिन इंचार्ज होते थे ये कराते थे ठीक है बेसिकली दे आर रिप्लेसिंग इट बिकॉज दे आर वेल ट्रेनड अबाउट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ठीक है So I hope that is clear. Neha, understudy. Leveling effect amara answer. Ho the extent to which a leader emphasizes on friendship and relationship is known as production-centric growth impoverish ya fir consideration. Again, Neha, I hope uh, the query is clear. The extent to which a leader emphasizes on friendship and relationship is known as dash. यस yes, मौसमी वो भी एग्जाम्पल हो सकता है दैट कुड ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल सबा देखिए पहली बात तो डिस्काउंट जो है वो एलिमेंट जो है वो आप तो शेयर इश्यू ही नहीं कर सकते पहली चीज तो आ, अकाउंट है से डिस्काउंट कहां से निकालते हैं जितना पेड हुआ है उसमें से माइनस करके या कॉल्ड अप में से इशू माइनस करके सबा फॉर फीचर से पहले ही जब आप इनिशियली दे रहे होते हैं क्योंकि डिस्काउंट इनिशियल लेवल पे ही मिल जाता है तो कॉल्ड अप वैल्यू से ही आप माइनस कर लेते हैं फॉर फीचर अमाउंट से नहीं माइनस होता है वो ठीक है वो पहले ही कॉल्ड अप पे लेस कर दिया जाएगा ठीक है ना और क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली गिवन होता है कि डिस्काउंट कब मिल रहा है जनरली अलॉटमेंट के टाइम पे ही मिलता है तो फर्स्ट कॉल पे अगर आपकी कॉल डिले हुई है तो वहां से आप लेस कर लेंगे ठीक है इनिशियल वैल्यू से ठीक है लेट्स मूव अहेड विच ऑफ दीज एलिमेंट्स डज नॉट हेल्प डिटरमाइन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ठीक है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन नंबर ऑफ पर्सन डेट अ मैनेजर कैन हैंडल इसको क्या कहते हैं जल्दी से बताइए ग्रुपिंग ऑफ टीम्स चलिए जल्दी से जवाब दीजिए नंबर ऑफ पर्सन मैनेजर कैन हैंडल इज नोन एज क्या कहते हैं इसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वंडरफुल स्पैन स्पैन ऑफ ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट आंसर हो जाएगा ग्रुपिंग ऑफ टीम ग्रुपिंग ऑफ टीम तो हर जगह ही होता है ठीक है सो बेसिकली यू आर नॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एलिमेंट जो कि मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो तो आपको अल्टीमेटली करना ही है ठीक है सबा कैपिटल रिजर्व के लिए आप पहले फोर फीचर को यूज करेंगे फोर फीचर को यूज करके जितना भी शेयर्स री इशू हुए हैं उसको ट्रांसफर कर लेंगे उसके बाद जितने शेयर्स री इशू हुए थे सिर्फ उन शेयर्स के अगर फोर फ्यूचर अकाउंट में कुछ पैसा बचाए तो वो कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाएगा डैश मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्रिएट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द पार्टीज हर पार्टी के लिए वो विन विन सिचुएशन क्रिएट करके ला देता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्रोमाइज अवॉइडेंस या फिर नन ऑफ द ग ठीक है चलिए जल्दी से आंसर दीजिए वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द आंसर शुड बी फोर्थ बिकॉज विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है सुपर ऑर्डिनेट गोल से ठीक है तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इट्स गोइंग टू बी नन ऑफ द अब ये फिर 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 गैस वर्क मानना शुरू डोंट डोंट गो फॉर गेस वर्क्स डैश मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट्स अ विन विन सिचुएशन ठीक है आंसर आंसर गोइंग बी डी सुपर ऑर्डिनेट गोल वो हो जाएगा रीड द क्वेश्चन केयरफुली ठीक है टेलर कॉल द मिलिट्री टाइप ऑफ फॉर्मेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री टाइप ऑफ फॉर्मेन जो है उन्होंने किससे रिलेट किया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से यूनिटी ऑफ कमांड से चेन ऑफ कमांड से नन ऑफ द

शॉक इन टेस्ट स्ट्रेस टेस्ट माइक्स ब्रिक्स टेस्ट या फिर जोहारी विंडो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए वेरी इजी क्वेश्चन पर्सनालिटी टेस्ट इसमें से कौन सा कहलाता है ठीक है चलो लेट्स सी गिव्स द करेक्ट आंसर मायस ब्रेक टेस्ट या आप गूगल करके ले भी सकते हैं इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट आईव ऑलरेडी टेकन डेट वेन देर इज अ डीप रूटेड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टीम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप दिस इज कॉल्ड एज डैश इसको क्या कहा जाता है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है टीम मेंबर्स के बीच में जनरली मैं कॉलेजेस में देखता हूं सोसाइटीज में शालिनी कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू समथिंग ठीक है आपके अंदर कितनी एबिलिटीज हैं चीजों को करने की ठीक है ग्रुप कोहेसिवनेस ग्रुप हारमोनी ग्रुप थे ग्रुप गोल्स ठीक है डीप रूटेड अंडरस्टैंडिंग है सो इट विल गिव राइज टू ग्रुप ने बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी बॉन्डिंग इज द राइट वर्ड हेयर मास्लोज़ नीड हार की थ्योरी हैज बीन समराइज इन टू थ्री सेट्स ऑफ नीड्स किसने कैटेगराइज करी थी, थी इसको डेविड मेकलैंड ने हर्सबर्ग ने एडविन लॉकी ने या फिर क्लेटन एल्डफर ने साथ में थ्योरी का नाम भी बताइएगा ऑल्सो लेट मी नो द नेम ऑफ द थ्योरी कौन से थ्योरी के बारे में बातचीत हो रही है यहां पे डेविड मैकलैंड हर्सबर्ग एडविन लॉके या फिर क्लेटन एल्डरफर वेरी इजी क्वेश्चन वेरी क्विक आंसर्स आ रहे हैं कुछ लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं नो प्रॉब्लम शालिनी करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी क्लेटन एल्ड ईआरजी थ्योरी एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ डेविड मेकलैंड ने थ्योरी ऑफ नीड्स दी थी ठीक है पावर एफिलियेशन अचीवमेंट चलो लेट्स मूव टू दर्टी एथ क्वेश्चन इसके बाद विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक शॉर्ट ब्रेक लेंगे देन विल स्टार्ट अगेन वंस अगेन फॉर द फाइनल शो डाउन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टेक्निक ठीक है इसमें से कौन सा एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टेक्निक नहीं है प्रिडिक्टर वेरिएबल जीरो बेस्ड टेक्निक सिमुलेशन टेक्निक या फिर मैनेजीरियल ग्रेड टेक्निक हा एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस रिलेटेड ग्रोथ प्रॉब्लम चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए देन वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक वेरी शॉर्ट ब्रेक ऑफ फाइव मिनट्स एंड देन वी आर गोइंग टू फाइव सेवन मिनट्स एंड देन वी आर गोइंग टू बिगिन अगेन ठीक है मेजोरिटी ऑफ द आंसर कमिंग फॉर वन थर्टी वन थर्टी हमारा आंसर आ रहा है ठीक है विच इज एप्सोल्यूटली करेक्ट ठीक है सो वे गोन ऑस टेक अ शॉर्ट ब्रेक हेयर इट्स सिक्स थर्टी सिक्स ठीक है यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे ठीक है वी गोन ऑफ स्टार्ट एट सिक्स फोर्टी फाइव ठीक है सिक्स फोर्टी फाइव पे शुरू करेंगे वी आर लेफ्ट विथ सेवेंटी क्वेश्चन ठीक है सेवनटी क्वेश्चन खत्म करेंगे एंड देन वे गोन ऑर सी ओर स्कोर्स ठीक है सो डोंट गो एनी वेयर जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर टेन मिनट थोड़ा सा वॉटर वॉटर ले लीजिए आई वेल ऑल्सो बी बैक देन इस मैराथन को आगे बढ़ाते हैं एम श्योर यूर इंजॉइंग द सेशन ठीक है चलो सी यू इन अनदर टेन मिनट्स

Yeah. Okay. you. Thank mm -hmm. you.

I hope I'm audible now. <clears throat> so we are going to begin with the last showdown now, and I'm very sure that you're enjoying this session. I hope you guys, you guys are not very tired because I have started feeling very uh, tiring now. It has become very tiring now, but I'm very sure that you energy, energy, I will be able to wrap up this session with, with a lot of enthusiasm. तो वी आर ऑन वन थर्टी एथ क्वेश्चन जल्दी से शुरू करेंगे आगे चलो लेट्स बिगिन एक बार जल्दी से थम्स uh, अप दे दीजिए वेदर आई एम प्रॉपरली ऑडिबल विजिबल और नॉट ताकि जल्दी से शुरुआत करें सेशन की लास्ट शो डाउन नेक्स्ट सेवेंटी क्वेश्चन स्ट्रेट इन अ रो ठीक है आई होप आई एम ऑडिबल थैंक यू थैंक यू सो मच फी बर्ड रेखा

ठीक है चलिए जल्दी से बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर वी आर ऑन वन थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन थैंक यू ईशिका ठीक है तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट्स गोइंग टू बी लाउड स्पीकिंग बहुत ज्यादा तेज जो बोलता है अननेसरी uh, शाउट करता है वेरी सक्सेसफुल लीडर एस एस बिग फाइव स्टेट मॉडल दे शुड बी मोर हम्बल एंड पोलाइट ठीक है अकॉर्डिंग टू डेविड मेक्लैंड डिजायर फॉर अथॉरिटी इज नोन एस अगर हम डिजायर फॉर अथॉरिटी को मेजर करने की कोशिश करें तो उसको किससे हम रिलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेविड मैक्न थ्यूरी नीड फॉर रिलेटेडनेस पावर सोशल एक्सेप्टेंस या फिर एफिलियेशन ठीक <coughs> है बी वेरी क्विक जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा थोड़ा सा ठीक है रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली दे गिव मी द करेक्ट आंसर नो रश बिकॉज क्वेश्चन थोड़े से यहां से ट्रिकी होंगे ठीक है नीड फॉर पावर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक ठीक है ह्यूमन कैपिटल अप्रेजल अप्रोच ऑफ एच आर डी फंक्शन वॉज आउटलाइन इन नाइनटीन नाइन एट हाउ अमंग डेवलप द ह्यूमन कैपिटल अप्रेजल अप्रोच ठीक है किसने इसको डेवलप किया था यह आपको बताना है टी वी राव उदय पारे एडम स्मिथ एंड उल नन ऑफ द अब हु द वन इंडिविजुअल जिसने इसको फॉर्मुलेट किया था चलिए जल्दी से बताइए वट वट शुड बी द करेक्ट आंसर वेरी इजी क्वेश्चन प्लीज कीप रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली ध्यान से सुनते रहिएगा क्वेश्चन को रीड करते रहिएगा सॉरी ठीक है वंडरफुल सो विनय इज वेरी क्विक विनय सींग नन ऑफ द अब एंड द आंसर इज फ्राइडमैन फ्राइडमैन हमारा करेक्ट आंसर होगा इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था आई जस्ट हैव ड्यू टू कि कितने लोग इसको याद रख पाए हैं ठीक है द टर्म मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव ये किसने दिया था पीटर ड्रकर प्रोफेसर चैम्बरलीन जेबी क्लार्क या फिर जे एम किंग्स ठीक है नो प्रॉब्लम मेघा कुछ नई नई चीजें भी आपको सीखने मिलेंगी सेशन के अंदर ठीक है चलिए जल्दी से जवाब दीजिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किसने दिया था हु वाज द वन ठीक है इट वॉज गिवन बाई पीटर ड्रकर वन इज गोइंग टू बी द आंसर कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर द प्रोसेस ऑफ चेंज नेमली ध्यान से पढ़िए चेंज लाना है जो कि कोर्जिव हो सकता है धमकी दे के कोर्स करके मिनीमेटिक मिनीमेटिक का मतलब होता है इमिटेट करके आप इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मेटिव आइसोम नॉर्मेटिव मतलब व्हाट शुड बी अगर आप इकोनॉमिक्स आपको याद हो पॉजिटिव एंड नॉमेटिव इकोनॉमिक्स हम पढ़ते थे पॉजिटिव वॉट इज लाइक लॉ ऑफ डिमांड नॉमेट वॉट शुड बी तो नॉमेटिव का मतलब है प्रोफेशनल प्रोफेशनल वैल्यूज एथिक्स क्या फॉलो करनी चाहिए हमें ठीक है आर एसोसिएटेड ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ठीक है इसको किस ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के परस्पेक्टिव से डिटरमाइन किया जा सकता है सोस डिपेंडेंस परसपेक्टिव कंटेंजेंसी परसपेक्टिव पॉपुलेशन इकोलॉजी परसपेक्टिव और इज इट गोइंग टू बी इंस्टीट्यूशनल परसपेक्टिव ठीक है सोच समझ के जवाब दीजिए डोंट बी मीन रश ठीक है क्या आंसर होना चाहिए जल्दी से बताइए थिंक प्रॉपरली प्रॉपरली सोच समझ के जवाब दीजिए किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ठीक है यहां पे हम मेजरली एक इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है रिसोर्सेज के बारे में यहां पे बात नहीं कर रहे हैं हम ठीक है प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली हम रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोहर्स कर रहे हैं अगर इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं नोमैटिव बना रहे हैं तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको प्रमोट करती है उसका पर्सपेक्टिव है ऐसा करना या फिर नहीं ठीक है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो दूसरे को इमिटेट करती हैं कुछ नहीं करना चाहती ठीक है सो फोर्थ इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर दैट इज इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव ठीक है गुड गोइंग नेहा द गैस वॉज ऑल्सो करेक्ट अंडर द मैनेजीरियल ग्रेट नाइन बाय नाइन रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल हम 9 by 9 को नोट करने की कोशिश करें तो क्या होना चाहिए या country task, या फिर ठीक है चलिए जल्दी से आंसर करिए। देखिए अच्छी बात है कुछ नई नई चीजें सीखने मिल रही हैं, ठीक है इट्स गोइंग टू बी लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू ठीक है मिडिल ऑफ द रोड ठीक है इसमें से कहीं भी नहीं लिखा हुआ मिडिल ऑफ द रोड कह देते हैं हम इसे ठीक है सो द आंसर इज गोइंग टू बी फोर्थ ठीक है आगे चलें कॉन्फ्लिक्ट डेट आर मेन टू इम्पैक्ट हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो लोगों की हेल्थ को खराब कर देते हैं आपने कई बार सुना होगा पीपल गेट इन टू डिप्रेशन लोगों की लड़ाइयां होती हैं ऑफिसेज में एंड वो डिप्रेशन में चले जाते हैं ठीक है टेक इट टू पर्सनली ठीक है तो क्या कहते हैं इसको टास्क कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट या फिर प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट वॉट आई आर वी डिस्कसिंग ठीक है चलिए जल्दी से बताइए सोच समझ के जवाब दीजिए रटे रटाए आंसर मार्क मत करिए चीजें जो हैं वो ट्विस्ट भी की जाती हैं टू चेक योर परफॉर्मेंस ठीक है यहां पे जो आंसर हो जाएगा इट्स गोइंग टू बी ह्यूमेनिटेरियन हेल्थ को इंपैक्ट कर रहा है तो ह्यूमैनिटेरियन आंसर हो जाएगा ओके ओके ओके, ओके सो सॉरी सुषमा सींग फाइव बाई फाइव इज मिडल ऑफ द रोड राइट एप्सोल्यूटली करेक्ट यस फाइव बाई फाइव आई जस्ट मिस इट ठीक है let's move forward the question was on nine by nine right nine by nine Okay. which is going to be team leader of course five by five is middle of the road right humanitarian answer if the leadership allows for guiding and taking care of the team members like a family this is known as dash क्या कहेंगे इसको ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप स्टाइल ऑफ लीडरशिप या फिर पेटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप कौन सी स्टाइल ऑफ लीडरशिप यहां पे कहलाएगी अगर जो लीडरशिप स्टाइल है वो ऐसी है कि वो फैमिली मेंबर्स मेंबर्स का का टीम ध्यान एक फैमिली की तरह रखता है ठीक है ही इज द केयर टेकर काइंड ऑफ अ पर्सन ठीक है चलिए जल्दी से बताइए यस मोहित दिस इज फॉर बोथ कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट पेटर्नलिस्टिक इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ट्रेनिंग विच इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू इंश्योर अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स आप स्किल्स को अपग्रेड कराने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम लर्नर ट्रेनिंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ऑन द जॉब इंटर्नशिप ट्रेनिंग ठीक है चलिए जल्दी से बताइए यस नेहा जापान इज नोन टू बी फॉलोइंग सच कल्चर आउचीज विलियम जेड आउची की जो मोटिवेशनल थ्योरी है वो भी इसी पे बेस्ड है ठीक है चलिए जल्दी से जवाब दीजिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी दैट इज रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्योंकि अपग्रेडेशन के बारे में बात हो रही है सो वील बी टॉकिंग अबाउट रिफ्रेशर ट्रेनिंग ठीक है अपग्रेडेशन ऑफ स्किल ठीक है अपग्रेड कर रहे हैं आप ऑलरेडी किसी चीज को तो बेसिकली रिफ्रेशर रिफ्रेश कर रहे हैं उसको देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी सेकंड साउंड प्लानिंग इज वन ऑफ द अशियल एलिमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज ठीक है बिल्कुल ठीक है ये अजर्शन कि साउंड प्लानिंग हेल्प करती है कॉर्पोरेट एंटिटीज के सक्सेस के लिए रीजन क्या गिवन है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इट इज टू बी डन कोई चीज कैसे करनी है और कब करनी है यह पता चलता है तो इंडिविजुअली तो दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं ठीक है बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो जो आंसर हो जाएगा इट गोइंग टू बी सेकेंड ठीक है सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेशन पसंद आ रहा है लग रहा है कुछ अच्छा रिवीजन हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड प्लीज रीड दीजिंग क्वेश्चन वेरी केयरफुली आप लोग पढ़ नहीं रहे ठीक से देखिए साउंड प्लानिंग जो है वो कॉर्पोरेट एंटिटीज की सक्सेस में काम आता है बिल्कुल ठीक है ये लेकिन प्लानिंग की यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन गिवन है दैट इज प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन डांस टू बी डन एंड हाउट इज टू बी डन आपको नहीं पता चल रहा कि सक्सेस कैसे मिलती है इससे ठीक है सो गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड एंड रेटिंग ग्राफिक रेटिंग अप्रेजल एमबीओ या फिर बार्स ठीक है चारों में से क्या आंसर होगा आपका क्रिटिकल इंसिडेंट और रेटिंग स्केल का कॉम्बिनेशन बनता है इस केस में let's see what comes out to be the answer the answer is going to be bars okay dash is a form of organization is purely ad hoc critic in nature should be saying sir, please continue taking these sessions till 30th should be uh, uh, it, it takes a lot of time it takes a lot of efforts also तो मॉक सेशंस चलते रहेंगे आपके रेगुलरली टिल योर योर एग्जाम एनालिसिस भी मैं लेके आऊंगा आपके लिए बहुत ही जल्दी बट मैराथन प्लीज इट विल नॉट बी पॉसिबल टू गेट अनदर मैराथन ऑफ फोर फाइव आर्स रियली सॉरी फॉर डैट पेपर वन की एक मैराथन करा चुका हूं मैं और अब ये पेपर टू की हम मैराथन कर रहे हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की दिस इज मोर देन सफिशियंट ठीक है बाकी सारा मॉक सेशन में कवर कर लेंगे डोंट वरी ठीक है डैश फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्योरली एडहोक्रेटिक इन नेचर ठीक है चलिए जल्दी बताइए फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन या फिर हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन सोच समझ के जवाब दीजिए नो चीटिंग नो कॉपिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी फ्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एडोक्रेटिक का क्या मतलब होता है इट्स वेरी टेम्प्ररी इन नेचर ठीक है बिल्कुल ही टेम्प्ररी होता है ठीक है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जो नेटवर्क्स पे बिल्ड होता है अलग अलग एलिमेंट्स पे यहां पे बात हो रही है कि इट हैज नो बाउंड्रीज देख रहे हैं वर्ड्स को पढ़िए प्लीज बाउंड्रीज नहीं है फ्लेक्सिबल है अडेप्टिव है ठीक है ये वर्ड्स जो है ये फ्री फॉर्म के हैं दीज आर द फॉर फ्री फॉर्म सो फ्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी द आंसर आई सी दैट स्टूडेंट्स आर नॉट रीडिंग इट प्रॉपरली द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग एम्प्लॉज फोकस ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स फाइंड अ राइट करियर पाथ ठीक है राइट करियर पाथ अगर आप खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे वॉट इट इज कॉल्ड एज करियर डेवलपमेंट करियर पाथ करियर मैनेजमेंट एंड करियर काउंसलिंग ठीक है क्या कहेंगे इसको चलिए जल्दी से बताइए वॉट शुड बी कॉल्ड एस आप गाइड कर रहे हैं बेसिकली फाइंडिंग द राइट करियर पाथवे ठीक है क्या इसको करियर डेवलपमेंट कहते हैं क्या इसको करियर पाथवे कहते हैं क्या इसको करियर मैनेजमेंट कहते हैं या फिर इसको करियर काउंसलिंग कहते हैं आई थिंक इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दिस इज करियर काउंसलिंग बिकॉज गाइडेंस की बात आ रही है यहाँ पे ठीक है हेल्प करना गाइड करना तो ये करियर काउंसिलिंग का पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डिसीजन मेकिंग एन रैशनल मॉडल अज्यूम्स मेकिंगल मॉडलम्स सोल्यूशन एंड पार्टिसिपेंट्स आर पार्टिसिपेंट्सनेक्टेड एंड एग्जिस्ट एज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशनल स्टीम्स सारी सारी चीजें जो है वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं बिहेवियरल अप्रोच बाउंडेड रैशनैलिटी अप्रोच गार्बेज कैन अप्रोच कॉपरेटिव सोशल सिस्टम अप्रोच ठीक है चलिए दिमाग लगाइए दिमाग लगा के आंसर दीजिए डोंट डों दश ठीक है वेरी इजी क्वेश्चन लेट मी सी कौन इसका सही जवाब देता है अलॉट ऑफ मिक्स आंसर्स तो मैंने ये हमेशा ही ऑब्जर्व किया है हमेशा ही महसूस भी करता हूं तभी मैं ये काम करने की कोशिश करता हूं कि जब भी मैं क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं स्टूडेंट्स टेंड्स टू गेट कन्फ्यूज बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन जरूर लगाया होता है कंसेप्ट ध्यान से नहीं पढ़ा होता ठीक है यहां पे जो आंसर हो जाएगा इट्स गोइंग टू बी गार्बे कैन अप्रोच क्योंकि डिसजॉइंटेड मेथड यहां पे यूज किया जा रहा है डैश इज अ राइट और अ अबिलिटी शुड एज फार एज पॉसिबल बी इक्वलाइज अमंग ऑल इंटरेस्टेड ठीक है क्या कहते हैं इसको वट वट आर वी टॉकिंग हेयर ठीक है एस्पिरिट डे कॉफ्स प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है ऑर्डर के बारे में डिसिप्लिन के बारे में या फिर इक्विटी के बारे में ठीक है चलिए जल्दी से बात करिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए यहां पे वन फोर्टी फाइव क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम यस बर्ड इसीलिए मैंने क्वेश्चन लेके आया हूं ये देखने के लिए कि क्या आपको पिछला वाला याद है फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं कंसेप्ट रिपीट होते हैं अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ यू विल बी एबल टू डू इट ठीक है चलो

दैट अदर्स थिंक फील जज और परसीव मोर और लेस वॉट वी डू ठीक है चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे जा रहे हैं जान मूझ के जान मूझ के पूछे जा रहे हैं ताकि आपकी कंसेप्टल क्लैरिटी चेक हो सके कॉन्स्टेंट एरर प्रोजेक्शन एरर हेलो इफेक्ट या फिर लीनियंसी चलिए जल्दी से बताइए ये सारे एरर्स हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं वन फोर्टी क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम फिर से मिक्स आंसर आने शुरू भाई मिक्स आंसर कैसे आ सकते हैं जब आपने टर्म समझे हुए हैं कॉन्स्टेंट एरर सेम गलती बार बार की जा रही है यू डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन ठीक है हेलो इफेक्ट वन सिंगल ट्रेड बिकम्स इंपॉर्टेंट यू नो दिस इज हेलो इफेक्ट इज ऑल अबाउट लीनियंसी बहुत ही लीनियन टीचर है सबको अच्छे मार्क्स देके चला जा रहा है ठीक है प्रोजेक्शन एरर होता है जब आप अपने परसेप्शन के बेसिस पे कुछ प्रिज्यूम करने लगते हैं लेट से आपने कोई पास्टर लगा एक बहुत कॉमन सी चीज बताता हूं आपने 2020 का पास्ट ईयर लगाया आपको लगा कि भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है ठीक है ये तो बहुत डिफिकल्ट है आपको ये डिफिकल्ट लगा आपके किसी पड़ोसी ने इसको लगाया और उसने सही अच्छा स्कोर किया ही स्कोर वेरी गुड मार्क्स अब आप अपने दिमाग में एक प्रोजेक्शन बना लेते हैं कि भाई इसने इस डिफिकल्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर लिया इसका तो जे पक्का है आपको पता ही नहीं है कि जो उसने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं टेक्निकली कोसीडेंटली उसने वो टॉपिक्स पढ़े हुए थे ठीक है प्रोजेक्शन एरर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपैथेटिक लिसनिंग इज इन अपर्ड कम्युनिकेशन ऑफ एन लीड टू रिसेंटमेंट इन कम्युनिकेटर ठीक है कोई खुश नहीं होता सिंपैथेटिक लिसनिंग की भाई सामने वाला हम पे दया दृष्टि दिखाने की कोशिश कर रहा है सिंपैथी जताने की कोशिश कर रहा है ठीक है रीजन क्या दिया हुआ दियाजिंग रिमार्क्स ऑफन लीड the communicator to believe that his proposal will receive action not contemplated by superior theek hai ki bhai suna to ja raha hai lekin us pe kuch action nahi liya jayega because sympathetic listening hai theek hai let's see who gives the correct answer a is correct right explanation Monica, resentment मतलब एक negative terminology है कि आप उसको अच्छी तरीके से नहीं ले रहे हैं अच्छे भाव से नहीं ले रहे हैं यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट ठीक है मतलब आपको अच्छा नहीं लगता कि भाई ये तो मुझे ट्रीटमेंट सही नहीं दिया जा रहा है मुझे मुझे इस नजर से देख रहा है सिंपैथी की नजर से देख रहा है ठीक है द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे मोनिका आई होप रिसेंटमेंट का मतलब समझ में आ गया नॉट ट्रीटिंग यू प्रॉपरली कई बार अनफेयर ट्रीटमेंट भी कह देते हैं जोहारी विंडो वॉज डेवलप्ड बाय डैश किसने जोहारी विंडो को डेवलप किया था साइमन एंड एंड स्टेसी डर्सी चलिए जल्दी से बताइए जोहारी विंडो किसने डेवलप किया था एंड आई होप कि ये सेशंस आपको हेल्प करें एग्जाम में जे तक जाने में शालिनी बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है कि ये एक मेथड है जिसके अंदर आप कुछ पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं एक फाइनेंशियल पैरामीटर हो गया कुछ नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स हो गए कुछ ह्यूमन इंप्लॉयज रिलेटेड पैरामीटर्स हो गए बेसिकली आप यह बताने की कोशिश कर रहे हैं दिस इज वन ऑफ द मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट हां प्लीज फ्री फ्रीबर्ट सजेशन बाद में पूछ लीजिएगा एक एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक है जहां पे आप चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और सिर्फ फाइनेंशियल एंगल से नहीं अदर एस्पेक्ट से भी मेजर करते हैं दैट हाउ इज योर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग ठीक है कुछ एलिमेंट होते हैं बैलेंस कार्ड के वो आप देख लीजिएगा बैलेंस स्कोर कार्ड के अभी मुझे कुछ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल याद आ रहे हैं ठीक ठीक है, है. इंगम इसको किया था. मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी ठीक है बट मैं आपको बता दूं कि जितने भी आज तक हमने सेशन किया आई थिंक इस बार भी सौ से ज्यादा ही सेशन हो गए होंगे बहुत आराम से मॉक सेशन भी किए हैं मैं ये दावा कर सकता हूं बहुत आराम से कि अगर आपने वहां पे Concept पे ध्यान दिया होगा भूल जाइए क्वेश्चन मैंने क्या कराए हैं जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास में जो पास आउट हो आए उन्होंने हमेशा यही कहा है कि सर क्वेश्चन हमें कभी भी रिपीट होता नहीं दिखा दो तीन कभी रिपीट हो गए तो बहुत बड़ी बात है कंसेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं अगर आपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से पकड़ रखा है किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन कितना भी घुमा दिया जाए आप जरूर कवर कर लेंगे ठीक है चलिए डैश थ्योरी इज कंसर्न विद हाउ ऑर्डिनरी पीपल एक्सप्लेन द दॉजेज ऑफ बिहेवियर एंड इवेंट्स ठीक yes, है, यस रमन कस्टमर लर्निंग ग्रोथ फाइनेंशियल और यही कुछ एलिमेंट्स हैं एक बार गूगल मार लीजिएगा कम्युनिकेशन वैल्यूज जिसको हम थ्योरीब्यूशन थ्योरी से डिराइव होता है एक के लिए समझना हो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं गया ठीक है आपने एक एनोलॉजी बना ली क्रिएटेड एन एनोलॉजी ऑन बिहेवियर भाई मैंने क्या किया था ना मैंने पेपर वन ठीक से नहीं पढ़ा था ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड आगे चलते हैं नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज मैनेजमेंट मैनेजमेंट सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉमर्स वालों के लिए भी है ऐसा मत सोचना कि सर ये हमारे लिए नहीं है ये कॉमर्स वालों के लिए भी है आपके में भी आपके सिलेबस के अंदर भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दिया हुआ है ठीक है डाइवर्सिफिकेशन इज टू न्यू बिजनेस एरिया दैट हैज नो ऑब्वियस कनेक्शन विद एनी ऑफ द कंपनीज एग्जिस्टिंग एरिया पीके क्या करना है भाई कौन सा सब्जेक्ट था आज आप अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करिए डोंट वेस्ट टाइम ऑन फाइंडिंग आउट अननेसे थिंग्स विच आर नॉट रेलिवेंट फॉर यू ठीक है आपके लिए वो रेलिवेंट नहीं है अपनी पेपर की तैयारी करिए पेपर का लेवल कैसा था यह जरूर देख लीजिएगा स्पेशली पेपर वन का ठीक है पेपर टू से मतलब मत रखिए अपने सेशन से मतलब रखिए अपने सब्जेक्ट से डोंट वेस्ट टाइम टाइम बहुत ही कम है आप लोगों के पास ठीक है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन कॉन्सेंट्रेट डाइवर्सिफिकेशन कॉन्ग्लोमोरेट डाइवर्सिफिकेशन चलिए जल्दी से आंसर करिए वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर कॉन्ग्लोमोरेट हो जाएगा क्यूं? क्यों क्योंकि लिखा हुआ है नो ऑबियस कनेक्शन ये है यहाँ पे अनरिलेटेड बाइंग अनदर कंपनी बाय वन कंपनी इज नोन एस ठीक है एक कंपनी दूसरे को परचेस कर लेती है उसको क्या कहेंगे वॉट शुड बी द राइट वर्ड ज्वाइंट वेंचर एक्वाजिशन अमलगमेशन और मर्जर अगर आप टाइम ध्यान से देखें तो अप्रॉक्सिमेटली हमने तीन घंटे के अंदर डेढ़ सौ क्वेश्चन कवर कर लिया डेट मीन स्पीड बहुत अच्छी चल रही है हमारी ठीक है चलिए जल्दी से बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन सॉरी वन फिफ्टी सेकेंड क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी एक्शन ठीक है एक्वाजीशन करेक्ट आंसर हो जाएगा

फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ठीक है लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर रीड करिए ध्यान से क्वेश्चन को लेट्स सी चलो काफी सारे आंसर आने शुरू हो गए हैं फ्रीबर्ड इज आस्किंग टेक ओवर एंड एक्विशन सेम सर फ्रीबर्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक्विजिशन आप परमिशन से करते हैं प्रॉपर रिटर्न कंसेंट से करते हैं टेक ओवर जनरली जनरल केस में हॉस्टाइल ही होता है मतलब आप बताते नहीं है विदाउट द परमिशन आप मार्केट से शेयर परचेस करने लगते हैं एंड यू टेक ओवर द कंपनी ठीक है चलो लेट सी स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट सेकेंड इज इन करेक्ट फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा नो डाउट फ्रीबर्ट आई होप दिस इज क्लियर कंट्रीज डू नॉट डिराइव द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू डैश कहां से आप अपना कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं लेते हैं ठीक है कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड ट्रेड नेचुरल इंडोमेंट गोल्ड एक्मेशन आपको किससे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं मिलता है <coughs> सोच समझ के आंसर दीजिएगा रीड इट केयरफुली आपने पढ़ा हुआ है ये किरण जोहारी विंडो के अंदर एक चार क्वाड्रेंट्स होते हैं

ब्लाइंड एरिया होता है, एक हिडन एरिया होता है और एक अननोन एरिया होता है चार नोन टू से आपको कोई फायदा नहीं होता हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा हुआ है ठीक है ऑपरेटिंग पर्सनल शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ द बजट पहली लाइन हमको गिवेन है प्रोग्राम इंडिकेट्स द प्रिंसिपल ऑपरेशन टू बी कैरीड आउट अकम्प्लिश अ वर्क ठीक है अंडर एमबीओ टेक्निक द मैनेजर शुड बी गिवेन अ फ्री हैंड टू ले डाउन द ऑब्जेक्टिव ठीक है चलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है वी आर ऑन वन फिफ्टी फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ में हम पहुंच चुके हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है जल्दी से बताइए चलिए सेशन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एक बार ठीक है अदिति सिंह सेकेंड फोर्थ देखिए पहला स्टेटमेंट तो गलत है ठीक है ऑपरेटिंग पर्सनल जो है लेट्स लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन ऑपरेटिंग पर्सनल शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ द बजट द प्रोग्राम इंडिकेट्स अ प्रोग्राम इंडिकेट्स द प्रिंसिपल ऑपरेशन टू बी कैरीड आउट टू अकंपलिश अ वर्क ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट हो गया थर्ड अंडर एम बी ओ टेक्निक मैनेजर शुड बी गिवन फ्री हैंड टू ले डाउन द ऑब्जेक्टिव ये तो गलत है फ्री नहीं होता है साथ में बैठ के आप डिटरमाइन करते हैं ठीक है तो सिर्फ हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि ऑपरेटिंग पर्सनल को नहीं देना चाहिए उसको देना चाहिए क्योंकि ही इज द वन हु इज एक्चुअली गोइंग टू एग्जीक्यूट इट तो उसको बेटर आइडिया होगा चीजों का ठीक है अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स प्लीज बहुत ध्यान से पड़िएगा बीसीजी मैट्रिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ग्रोथ नॉट इन्वेस्ट इन टू कैश काउस टू इंड्यूस ग्रोथ बट ओनली टू सपोर्ट देम सो डेट दे कैन मेंटेन देअर करेंट मार्केट शेयर पहला स्टेटमेंट ठीक है ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के बेसिस पे कॉर्पोरेट को कैश काउस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए सिर्फ उनसे पैसा लेना चाहिए ताकि वो अपना करेंट मार्केट शेयर मेंटेन कर पाए ठीक है नंदिनी स्टेटमेंट सेकंड क्या है स्टार्स ऑपरेट इन हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज एंड शेयर स्टार्स आर बोथ कैश जनरेटर्स एंड कैश यूजर्स ठीक है लेट्स सी व्हाट कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही ठीक है एप्सोल्यूटली करेक्ट है ठीक है चलो लेट मूव है ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज डिजाइन टू इंक्रीज ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्यू बनाई जाती है वट इज द पर्पज ऑफ गेटिंग इन टू ग्रोथ स्ट्रैटेजी ठीक है स्केल एंड स्कोप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन बढ़ाना होता है कॉर्पोरेट इमेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नन ऑफ द ठीक है वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर स्केल एंड स्कोप ऑफ बिजनेस बढ़ाना होता है अगेन अ क्वेश्चन ऑन बीसीजी मैट्रिक्स अस्टार इज द मार्केट लीडर इन हाई ग्रोथ मार्केट ठीक है डायग्राम ध्यान रखिए फिशियंट कैश टू सपोर्ट इट बिजनेस हाई ग्रोथ मार्केट लिखा हुआ है स्टार के बारे में ठीक है डॉग्स हैव वीक मार्केट शेयर इन हाई ग्रोथ मार्केट ठीक है डॉग्स को कहा जा रहा है कि भाई इनका वीक मार्केट शेयर होता है कहां पे हाई ग्रोथ मार्केट में तो हाई और वीक का कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है यहां पे ठीक है तो प्लीज रीड इट केयरफुली ध्यान से पढ़िए स्टार इज द मार्केट लीडर इन हाई ग्रोथ मार्केट ठीक है उट टू बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा let's see, काफी mixed answers आ रहे हैं। कुछ लोग हाई ग्रोथ लिखा हुआ है जो स्टार होता है वो दोनों में ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है हाई ग्रोथ में भी हाई मार्केट शेयर में भी ठीक है और डॉग्स जो है वो वीक मार्केट शेयर भी होता है और वीक और वीक ग्रोथ मार्केट भी होता है ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा टू बी फोर्थ बोर्ड स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है पहला स्टेटमेंट सही नहीं है ठीक है ही इज अ मार्केट लीडर बट नॉट इन हाई ग्रोथ मार्केट ठीक है बट हाई ग्रोथ हाई मार्केट शेयर दोनों होने चाहिए ठीक है ना बोथ ऑफ द थिंग शुड बी देयर स्टार का डायग्राम याद करिए उसमें दोनों चीजें होती है ना कि एक ठीक है दीपा चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड Which of the following does not fall in the ambit of objectives of Competition Act 2002? Theke? Encourage competition, prevent abuse of dominant position, prevent monopolistic rise arising out of intellectual property, regulate mergers and acquisition. Section three, section four, and this is section five. Okay. विनय सिंह सफिशियंट कैश है स्टार के पास तो वो हाई मार्केट शेयर ही तो हुआ फर्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट विनय जब तक कोई चीज लिखी नहीं आप अपने आप अज्यूम क्यों करने लगते हैं यू कैन नॉट अज्यूम थिंग्स ऑन योर ओन इट्स रिटर्न अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ हाई ग्रोथ मार्केट तो उसका कुछ रेलिवेंस होगा ना हाई ग्रोथ मार्केट की जगह हाई ग्रोथ एंड हाई मार्केट शेयर भी तो लिखा जा सकता था ठीक है यू कैन नॉट मेक एन इम्प्लेसड अजम्पन क्यों क्योंकि कैश काउ को आप देखिए कैश का भी तो कैश जनरेट करता है बट उसकी क्या सिचुएशन होती है इट हैज हाई मार्केट शेयर बट लो ग्रोथ रेट ठीक है सो स्टार के लिए दोनों चीजों का प्रेजेंस होना जरूरी है एक चीज से काम नहीं बनने वाला ठीक है विनय आई होप डाउट इज क्लियर ठीक है चलिए लेट्स सी दन फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन आंसर इज गोइंग टू बी थर्ड क्योंकि आईपीआर जो है वो पेटेंट का पार्ट है ठीक है नॉट फ्रॉम दिस च ऑफ द फोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में विनय आई होप क्लैरिटी आ गई है आपको इट इन्वॉल्व फॉर्मुलेन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ माइनर गोल्स इट इन्वॉल्व इनिशिएटिव टेकन बाई टॉप मैनेजमेंट इट इज बेस्ड ऑन कंसिडरेशन इट इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ठीक है चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर डॉग हैज़ लो मार्केट शेयर एंड लो ग्रोथ रेट ठीक है चलो लेट सी आउट टू बी द करेक्ट आंसर वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर माइनर गोल्स नहीं होते हैं ठीक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा एलिमेंट यहां पे इंक्लूड किया जाएगा वट इज वट आर द स्टेप गोइंग टू इंक्लूड इनवायरमेंटल स्कैनिंग स्ट्राटेजी फॉर आउटपले स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन स्ट्राटेजिक इंप्लीमेंटेशन इवेल्युएशन एंड कंट्रोल ठीक है ये yes. वंडरफुल देखिए आप लोग को रीजन भी पता है दैट इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू गाइज कॉन्फिडेंस हाई रखिएगा बी पार्ट नहीं होगा ए सी डी एन इज गोइंग टू बी द एलिमेंट तो थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू बीसीजी मैट्रिक्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट शुड डिसाइड टू कर्टेल लॉसिस बाय डाइवेस्टिंग विनय दोनों डॉप का दोनों में लो होगा इट्स गोइंग टू बी लो एंड लो मार्केट शेयर भी लो होगा और ग्रोथ भी लो होगा कैश काउस की बात कर रहा हूं मैं प्रॉब्लली आई माइट माइटेट कैश काउस में मैं बोल रहा हूं कि मार्केट शेयर अच्छा होगा ग्रोथ कम होने वाली है ठीक है चलो स्टार क्वेश्चन मार्क कैश काउ या फिर डॉग लेट सी वॉट कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर डाइवेस्ट किसको करेंगे हम

सारे लोग नहीं दे रहे हैं, वेरी स्लो आंसर हो जाएगा ठीक है, I hope आपकी एनर्जी डाउन नहीं हो रही है क्योंकि मुझे आंसर्स अब कम आते नजर आ रहे हैं स्लो नाउ थोड़ी देर की और बात है 40-50 मिनट, बी डन अ पार्टनर बाय होल्डिंग इज आल्सो नोन एज होल्डिंग आउट पार्टनर किसे कहते हैं एक्टिव पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर को पार्टनर बाय स्टॉपेल को या फिर नॉमिनल पार्टनर को देखिए आप लोगों की एनर्जी डाउन होगी तो मेरी तो डाउन होनी है बिकॉज आई एम कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग फॉन फॉर द नेक्स्ट थ्री एंड हाफ आवर्स हो ठीक है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को और क्या कहते हैं ठीक है पार्टनर बाय स्टॉपेल कहते हैं जो अपने बिहेवियर से दिखा देता है कि भाई मैं पार्टनर हूं बट ये एक्चुअल पार्टनर नहीं होता तो इसको लोग पकड़ लेते हैं कि भाई तुम पार्टनर हो अगर कुछ नुकसान है तो दो ठीक है एनर्जी मुझे ठंडी दिख रही है दो चार लोगों के सिवाय थैंक यू शालिनी किरण दीपा ऑल अदर्स जोश हाई रखिएगा तक एप्पल कंप्यूटर्स यूज द डिफरेंशियन कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेटिव स्ट्रैटेजी डेट इम्फेसाइज इनोवेटिव प्रोडक्ट विथ क्रिएटिव डिजाइन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशन भी कर रहे हैं और क्रिएटिव डिजाइन भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं प्रोसेस स्ट्रैटेजी बिजनेस स्ट्रैटेजी ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी या फिर प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी नेहाय सिंह वर्चुअल कॉफी टू यूसर नेहा इल सटनली है दिस सेशन थैंक यू फॉर द सेम ठीक है चलिए जल्दी से बताइए इट्स गोइंग टू बी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्यों क्योंकि इनोवेशन कर रहे हैं तो ये स्ट्रैटेजी टॉप लेवल पे बनाई गई होगी तो ये बिजनेस स्ट्रेटेजी का पार्ट बन जाएगी चलो वे आर डन विथ स्ट्रेटिक मैनेजमेंट नाउ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खत्म हो गया ना वे बिगनिंग विद अकाउंटिंग नाउ अब कुछ अकाउंटिंग के क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मूव विद द लास्ट एलिमेंट ठीक है <coughs> चलिए जल्दी से एक बार थम्स अप दे दीजिए, पोर्शन so नहीं अकाउंटिंग में, क्योंकि पूछे भी नहीं जाते हैं एंड स्पेशली मैनेजमेंट वालों में अकाउंटिंग कम पूछी जाती है तो आईव कैप्ट क्वेश्चन नाउ यू मूविंग टू वर्ड अकाउंटिंग लास्ट थर्टी फाइव क्वेश्चन चलो लेट सी सी या नो ब्रेक नाउ वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी ब्रेक खत्म नहीं हो पाएगा एक और सेशन है आठ बजे कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस कैश फ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट पेड इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइज कहां का पार्ट होगा ठीक है ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग बोथ वन एंड टू इन्वेस्टिंग गुड इवनिंग अलीशा चलिए जल्दी से बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर इंटरेस्ट पेड हो रहा है कहां पे फाइनेंशियल इंटरप्राइज के केस में ठीक है हां हां किरण है वो दोनों क्वेश्चन डोंट वरी लीगल मिलेगा आपको ठीक है द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑपरेटिंग क्यों फाइनेंशियल इंटरप्राइज है यहां पे ठीक है इंटरेस्ट पेड है फाइनेंशियल इंटरप्राइज है सो इट गोइंग टू बी ऑपरेटिंग पार्ट शुभ ही इंटरप्रिनोरशिप एंड ऑपरेशन तो मैंने आपको पहले भी बताया था ऑपरेशन जो पोर्शन है वो एक दो क्वेश्चन ही आते हैं उसके अंदर ठीक है पहली चीज एंड दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि ऑनटरप्रिनोरशिप इज अ प्योरली फैक्चुअल तो एक दो क्वेश्चन डाले होंगे मैंने अदरवाइज बहुत ज्यादा नहीं डाले बिकॉज इट्स अ फैक्चुअल टॉपिक ठीक है फाइनेंशियल इंटरप्राइज के बारे में बात हो रही है इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा ठीक है चले आगे

यस yes, नेहा बीच में फैक्ट्रीज एक्ट के क्वेश्चन मैंने डाले थे ठीक है ठीक है चलो लेट सी कैपिटल रिजर्व हमारा आंसर हो जाएगा वेरी इजी क्वेश्चन नेहा फैक्ट्रीज एक्ट वर्ग के क्वेश्चन डाले हैं मैंने बीच में डोंट वरी मिलेंगे आपको द रेशियो विच शोज द प्रिफरेंस डिविडेंड एज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स प्रिफरेंस डिविडेंट एज अ प्रपोर्शन ऑफ प्रोफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स इज नोन एज डैश इंटरेस्ट कवरेज देश फिक्स डिविडेंट कवरेज डेट सर्विस कवरेज रेशियो डिविडेंट ईल रेशियो ठीक है चलिए जल्दी से बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हेर वेरी इजी क्वेश्चन फिक्स्ड डिविडेंट प्रेफरेंस के बारे में पूछा जा रहा है ठीक है लेट सी द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विनर डेट वुड डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ इंटरप्राइज जैसा इंटरप्राइज होगा उसके हिसाब से चीजें आएंगी ना कि इस तरीके से रैंडम तो एक सेशन मैंने लिया था अकाउंटिंग का जहां मैंने बहुत क्लियरली एक क्वेश्चन कराया था जहां पे मैंने एक टेबल बना के दी थी प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा ठीक है अभी वी आर रनिंग अ लिटिल बिट शॉर्ट ऑफ टाइम प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स टेन के ऑफ मटीरियल एट द रेट ऑफ फाइव पर के ठीक है ये इनकी रिक्वायरमेंट है एक्चुअल कंजम्शन कितना है बारह के जी पर प्राइस के हिसाब से ठीक है विनय इंटरेस्ट पेड है डिविडेंड पेड जो होता है वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट आता है इंटरेस्ट पेड नहीं होता है ठीक है इंटरेस्ट पेड इज नॉट पार्ट ऑफ डिविडेंड इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी एवरी टाइम ये मैंने आपको पहले भी बताया था जो फाइनेंशियल इंटरप्राइज है वो दिन भर सेल परचेज और फाइनेंसिंग में लगी रहती है तो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं होगा डिविडेंट पेमेंट जो है वो जरूर आएगा फाइनेंसिंग के अंदर ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा ठीक है वॉट शुड बी द आंसर ट्वेंटी टू फेवरेबल ट्वेंटी टू अन वेरी गुड इवनिंग स्मरे का ग्लैड डेट यू हेव ज्वाइंड ट्वेल्व फेवरेबल ट्वेल्व अनफेवरेबल वेरी इजी क्वेश्चन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेजन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आई एम श्योर आप इसका इक्वेजन बता पाएंगे इसका जवाब बता पाएंगे मुझे जल्दी से बताइए फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ये लेट्स सी चलो लेट्स क्या आंसर आ रहा है थर्ड इज कमिंग एज टू बी द करेक्ट आंसर एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट है ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड च वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज यूज टू मेजर अ कंपनीज लिक्विडिटी अगर कंपनी की लिक्विडिटी देखनी है तो हम कहां देखेंगे करंट रेशियो इंटरेस्ट कवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड वेरी इजी क्वेश्चन लिक्विडिटी आपको देखनी है आप करंट रेशियो से देख सकते हैं करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड फ्रॉम शेयर कैपिटल टू होगा यहां पर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पेड अप कैपिटल क्या चीज एड करेंगे हम पेडअप कैपिटल निकालने के लिए स शेयर फॉर फीचर बैलेंस कॉल्स इन एरियाज डिस्काउंट ऑन इशू चलिए जल्दी से बताइए वट शुड बी द आंसर एयर वेरी इजी क्वेश्चन अगेन आंसर इज गोइंग टू बी कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एडवांस को आप एड कर देते हैं कॉल इन एरियज को आप डिडक्ट कर देते हैं ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कैश फ्लोज इज नॉट अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं माना जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी कॉमीशन कैश पेमेंट टू सप्लायर कैश पेमेंट टू इंप्लॉइज पेमेंट ऑफ डिविडेंट इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं आएगा देट्स वेरी गुड किरण कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा होना चाहिए इसलिए मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं डाले आज आंसर क्या हो जाएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंट आंसर हो जाएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंट इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन ऑल केसेस रूल ऑफ लॉ समझ लीजिए पेमेंट ऑफ डिविडेंट मतलब शेयर में किया हुआ है सो दैर फॉर द आंसर इज गोइंग टू बी डी टू टेस्ट द लिक्विडिटी ऑफ अ कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर यूजफुल ठीक है ये सुषमा एसिड टेस्ट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो कैपिटल टर्नओवर रेशियो बैड डेट टू सेल्स रेशियो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं ठीक है लिक्विडिटी देखनी है एसिड टेस्ट रेशियो से देख सकते हैं जिसको हम क्विक एसिड रेशियो भी कहते हैं ठीक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजमेंट टेकिंग डिसीजन डेट आर गुड फॉर द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी ठीक है Reason क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग करता है में, में. Management decision, management दोनों ही हेल्प करते हैं हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर ठीक है तो दोनों सही हो जाएंगे बट इट इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ठीक है yes, Raman, पोस्ट एक्विजिशन एक बार आपने एक्विजिशन कर लिया उसके बाद के प्रॉफिट क्या कहलाते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन अकाउंटिंग टॉपिक से मैंने आपको कहा न्यूमेरिकल नहीं आएंगे ज्यादा बट फिर भी एक सेशन में करवा दूंगा डोंट वरी अबाउट इट रेवेन्यू प्रॉफिट आंसर हो जाएगा क्योंकि अब एक्वायर कर लिया गया है नहीं होता तो कैपिटल प्रॉफिट बन जाता ठीक है इज रिडीमेबल प्रिफरेंस टू लैस आर टू बी इशूड एट पार अलॉन्ग फ्रेश इक्विटी ऑफ एटी थाउजेंड शेयर डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट वट अमाउंट शुड भी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेमशन रिजर्व सीआरआर अकाउंट के अंदर आप क्या अमाउंट ट्रांसफर करेंगे एक लाख बीस हजार एक लाख रुपए दो लाख रुपए सेवेंटी टू थाउजेंड और नव ठीक है चलिए जल्दी से बताइए इजी क्वेश्चन लेट सी कौन इसका सही जवाब देता है रीड इट केयरफुली वट शुड बी द करेक्ट आंसर हेयर Just waiting for answers. Read it carefully. जिन्होंने पहले सेशंस अटेंड किए हुआ वेरी रेगुलर विल बी एबल टू कैच आउट व्हाट इज द क्वेश्चन हेयर ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द बफ आई होप आपको रीजन पता है इज रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर हैं कैन नॉट बी शूड ठीक है दर द आंसर इज गोइंग टू बी नन ऑफ द बफ डिप्लीशन अप्लाइज टू विच ऑफ द बिलो में डिप्लीशन लगता है करंट एसे ठीक है चलो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी वेस्टिंग एसेड जैसे ऑयल वेल्स हो गए ठीक है यह डिप्लीट होते जाते हैं जैसे जैसे आप निकालते रहते हैं उसको उसमें से ऑयल तो वेस्टिंग एसेड पार्ट हो जाएगा

ठीक है वेरी गुड विनय अ फर्म एक्वायर्स ए फर्म एक्वाय फर्म बी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बी इज रुपीज ट्वेंटी पर शेयर एंड ईपीएस इज ठीक है मार्केट प्राइस जो है वो बीस रुपए है और ईपीएस फाइव है तो हम प्राइस अर्निंग रेशियो निकाल सकते हैं वुड कम आउट टू बी फोर ठीक है एक्सचेंज रेशियो जो गिवेन है वो गिवेन है टू पॉइंट फाइव इज टू वन ठीक है वॉट इज द पी रेशियो ऑफ एक्वायरिंग फर्म बी बी का पी रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है यहां पे चलिए जल्दी से बताइए व्हाट शुड बी द आंसर हेयर शुड इट बी ए फोर फाइव नाइन और टू पॉइंट सिक्स सेवन देखिए एक का एक्सचेंज रेशियो गिवेन है आपके पास यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट एंड यू कैन गेट द आंसर बहुत आसान तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए द आंसर इज गोइंग टू कम आउट टू बी नाइन नाइन हमारा आंसर निकल के आ जाएगा थर्ड इज द आंसर ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कुछ नहीं कर, किया हमने पीई /E रेशियो निकला हुआ था ठीक है हमने सिर्फ उसको एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गॉट द आंसर ठीक है आई होप दिस इज क्लियर वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ दिस इज द लास्ट सेक्शन जो भी आप ऑनटोप्रीनोरशिप इंडस्ट्रियल रिलेशन लीगल सारे सेगमेंट्स कह रहे थे वो सारे के सारे सेगमेंट्स यहां पे कवर किए हुए हैं फैक्चुअल टर्म्स में लास्ट सेक्शन आई होप यू गोनो एंजॉय इट ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड अलिशा कुछ नहीं किया हुआ प्राइस अर्निंग रेशियो निकला ठीक है एक्सचेंज रेशियो गिवन था एक्सचेंज रेशियो के ऊपर आपने मल्टीप्लीकेशन कर दी एंड यू द आंसर यस यस विनय ठीक है आई होप दिस इज क्लियर वॉट इज द डाउट यू गॉट द पी रेशियो एस फोर फोर निकल के आया था ना पी रेशियो फोर इंटू टू पॉइंट फाइव ज इट इज इट गोइंग टू बी टेन येस इट्स गोइंग टू बी टेन सॉरी इट्स वैल्यू कर लीजिए इट्स नॉट गोइंग टू बी नाइन इट्स गोई टू भी टेन ठीक है तो टेन हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी थर्ड इज द आंसर ये विनय इट्स अ टाइपिंग एर इट इज गोइंग टू भी टेन ठीक है चलो लेट्स मूव अड फ्री वर्ड टेन होगा आंसर टेन इट्सिंग एरर Which of the following was the first mutual fund listed on the newly launched mutual fund platform on National Stock Exchange? थीके? UTI Mutual Fund, SBI Mutual Fund, LIC Mutual Fund, or HDFC Mutual Fund? थीके? 10 10 it's a typing error. Don't worry. Typing error is 10 answer. थीके? UTI was the first mutual fund launched in the year 1964. थीके? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड वेरी इजी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है इट शुड बी टेकिंग मच टाइम ए एंड बी ज्वाइंटली ओ हंड्रेड रुपीज टू सी ए और बी को ज्वाइंटली मिलके सी को सौ रुपए देने थे ठीक है ए ने अकेले ही सौ रुपए दे दिए सी को बिना बी की जानकारी के बी वॉज नॉट नोइंग दिस ठीक है और बी ने भी ठीक है बी नॉट नोइंग दिस फैक्ट ऑल्सो पेज हंड्रेड रुपीज टू सी

द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सेकेंड मे नहीं चलता है आपको देना ही पड़ेगा बिकॉज अनजस्ट एनरिचमेंट ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट यू कैन नॉट एनिच समन अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते ठीक है तो सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बैड लोन्स इन इंद धनुष मिशन इज रिफर्ड अंडर ठीक है बैड लोन्स जो इंद्रुष के अंदर रेफर किए गए थे उनको क्या कहा गया था बैंक बोर्ड ब्यूरो जमेंट वाले banks, जल्दी से बताइए क्या, क्या कहा गया था ठीक है दे वर रिफर्ड अंडर डी स्ट्रेसिंग पब्लिक सेक्टर बैंक ये पॉसिबल था कि एटलीस्ट खत्म किया जाए इस मिशन के थ्रू जो बैड बैंक है बैड लोन्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जाए एक प्रयास किया जाए तो थर्ड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ठीक है वेरी गुड अलीशा आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन आर कैरीड आउट विद व्यू टू डू डैश ठीक है किस से ओपन मार्केट ऑपरेशन किए जाते हैं रोशन इज देयर टोटल मनी क्रिएशन इन द कंपनी लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी टू मैनेज द प्राइसिस ऑफ असेंशियल कमोडिटी नन ऑफ द ठीक है क्या आंसर होना चाहिए जल्दी से बताइए आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन विच इज अ क्वांटिटेटिव मेजर इसको क्यों किया जाता है वॉट इज द पर्पज ऑफ डूइंग इट ठीक है इसका पर्पज क्या होता है मनी सप्लाई कंट्रोल करना द दर्पज इज कंट्रोलिंग ऑफ मनी सप्लाई ठीक है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इट्स गोइंग टू बी फोर्थ लिक्विडिटी ऑब्जेक्टिव नहीं होता ठीक है ऑब्जेक्टिव इज मनी सप्लाई इन द इकोनोमी ठीक है तो आंसर हो जाएगा फोर्थ फोर्थ इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ठीक है रेगुलेट लिखा हुआ है ठीक है होप दिस इज क्लियर चलो फोर्थ इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर कुछ लोग वन कह रहे हैं देखिये मनी क्रिएशन का प्रोसेस जो होता है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से नहीं होता रेगुलेशन होती है उससे ठीक है लिक्विडिटी जो है वो एक एस्पेक्ट है सिर्फ इट्स नॉट एन ओवरऑल जेनरिक एस्पेक्ट ओवरऑल एस्पेक्ट क्या होता है कि मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है ठीक है तो फोर्थ इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर नॉट सेकेंड छोटी छोटी चीजों पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं कुछ लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं questions को. नंबर ऑफ ऑडिट डन बाय एन ऑडिटर वेरी फैक्चुअल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन क्या सीलिंग लगी हुई है सीलिंग का मतलब होता है लिमिट वॉट इज द लिमिट ऑन द नंबर ऑफ दैट कैन बी डन बाय ऑडिटर ट्वेंटी टेन ट्वेंटी नो लिमिट ठीक है चलो लेट सी द आंसर इज गोइंग टू बी ट्वेंटी फैक्चुअल क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट ट्वेंटी थर्टीन नाउ नॉट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ठीक है ऑडिटर पे जो लिमिट है वो ट्वेंटी की है ट्वेंटी इज द लिमिट ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इसमें से कौन सा ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है ठीक है आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टूडेंट बोथ ऑफ देम आर आंसरिंग इट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट इज अस्ट गिवी से हेलो यस फिजिकल वेरीफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट इज द सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर

आई अंडरस्टैंड कि पास्ट ईयर क्वेश्चन है बट जो टर्म्स हैं वो चेंज हो जाते हैं मेरे सेशन में स्पेसिफिकली यहां पे प्राइमरी से वर्ड चेंज करके सेकेंडरी कर दिया गया है विच यू गाइज आर नॉट नोटिसिंग आप लोग इस टर्म को नोटिस नहीं कर रहे कि ये अब टर्म चेंज करके सेकेंडरी कर दिया गया है एंड क्योंकि ये अब सेकेंडरी कर दिया गया है तो ये आंसर नहीं हो सकता नॉट करेक्ट कौन सा होगा ऑडिटर शुड द एसेट्स आर इन पोजिशन ऑफ बैंक बैंक के पोजिशन में थोड़े ना होता है क्लाइंट के पोजिशन में होगा ना सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड इट ठीक है फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है उसको सेटिसफाई करना पड़ेगा दैट दे हैव बीन वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बैंक के पोजिशन में नहीं होता है कभी भी ठीक है क्लाइंट के पोजिशन में होना चाहिए रीजनल रूरल बैंक आर इंपावर्ड टू ट्रांजेक्ट बिजनेस ऑफ बैंकिंग एज डिफाइंड अंडर ठीक है रीजनल रूरल बैंक नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग रेगुलेशन रेगुलशन ठीक है क्वेश्चन घुमा दिया था मैंने तो प्लीज क्वेश्चन को रीड करिए डोंट बी नश ठीक है बैंकिंग रिलेटेड जो इसके एक्टिविटीज होंगी दैट विल बी पार्ट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन एंड नॉट रीजनल एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ठीक है आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन आगे चलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉरपोरेट गवर्नेंस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का ठीक है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज मैंट टू इंश्योर इन्श्योर द राइट्स एंड एसेट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स आर सेफ ठीक है रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली ध्यान से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो यहां थोड़ा सा आप टाइम ले सकते हैं ठीक है अजर्शन बिल्कुल ठीक है अजर्शन इज करेक्ट इट इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वेस्टर प्रोटक्शन रीजन स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज मेट टू इंश्योर इन्श्योर द राइट्स एंड एसेट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स आर सेफ अब क्योंकि वो रीजन दे रहा है कि क्यों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि वो इंश्योर करता है कि जो इन्वेस्टर्स के राइट हैं वो प्रोटेक्टेड रहे ठीक है, है? इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा इट्स गोइंग टू बी वन ठीक है आगे चलें शुड बी मूव फॉरवर्ड वेलफेयर ऑफिसर इज अपॉइंटेड इन केस ऑफ मोर देन डैश ठीक है लेट्स सी मेघा सेबी के अपने गवर्नेंस होते हैं उसके अंदर लिस्टिंग एग्रीमेंट है बट ये सारी जो चीजें हैं वो गवर्नेंस के थ्रू कैसे होती हैं क्योंकि गवर्नेंस के अंदर आपको उसको मैनेज करना पड़ता है ठीक है किरण आई ट्राई माई बेस्ट ठीक है चलिए वेलफेयर ऑफिसर इज अपॉइंटेड इन केस ऑफ मोर देन डैश कितने इंप्लॉइज के बाद होता है सेफ्टी ऑफिसर के लिए वन थाउजेंड और वेलफेयर के लिए फाइव हंड्रेड तो वन हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन इज वेरिफिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है वैल्यू ऑफ आइटम्स नीक वेरिफिकेशन पूछा जा रहा है ध्यान रखिएगा वाउचिंग नहीं पूछा जा रहा वाउचिंग जेन्युननेस ऑफ ट्रांजेक्शन देखता है वेरिफिकेशन क्या देखता है ठीक है कि ओनरशिप सही है कि नहीं है ठीक है ओनरशिप आपके पास है कि नहीं है उस पटलर की ठीक है विनय द क्वेश्चन हैज बीन इट्स नॉट वाउचिंग नाउ इट्स वेरिफिकेशन ठीक है एनी वेज आई एम श्योर यूर लर्निंग समथिंग न्यू तो यहां पे क्वेश्चन वेरिफिकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है वाउचिंग से वाउचिंग का आंसर सेकंड हो जाएगा वेरिफिकेशन का आंसर हो जाएगा इंश्योर ओनरशिप ऑफ आइटम्स ठीक है आई होप इट इज क्लियर प्लीज क्वेश्चन को रीड करें बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन कास्ट अ डाउट ऑन कंपनीज रिलायबिलिटी जो बुरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है वो डाउट देगा ही देगा रीजन क्या है कंपनीज दैट डू नॉट कॉपरेट ऑडिटर्स कैन पब्लिश नॉन कंप्लाइंट फाइनेंशियल रिजल्ट ठीक है अलग अलग चीजें ऊपर रिलायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है नीचे फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है बेस्ड ऑन ऑडिटर्स तो दोनों इंडिविजुअली सही है इंडिविजुअली दोनों बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहीं से भी ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ठीक है क्योंकि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है ये बात कर रहा है ऑडिटर्स के बारे में और फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में ठीक है तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा हमारा आंसर हो जाएगा दैट इट इज गोइंग टू बी सेकेंड बोथ एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट होता है मैनेजमेंट देखने के लिए कि प्रॉपरली मैनेजमेंट किया जा रहा है कि नहीं इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं होगा

राव कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द री स्ट्रक्चरिंग ऑफ डैश वेरी इजी वेरी फैक्ल वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन चलापाती राउ कमेटी किस काम के लिए थी स्टेट फाइनेंशियल कमर्शियल बैंक इन इंडिया कॉपरेटिव बैंक इन इंडिया रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया ठीक है बहुत आसान से क्वेश्चन रीजनल रूरल बैंक इज गोइंग टू बी द आंसर क्रेचेस इज मेड अवेलेबल टू वर्कर्स इन केस ऑफ मोर देन डैश वर्कर्स मैं ये क्वेश्चन जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि और ये पास्ट ईयर में काफी बार पूछे गए एक बार नहीं काफी काफी बार पूछे गए हैं तो इसलिए ये आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए रट जाने चाहिए आर हाई चांसेस कि यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए ठीक है क्रिचे आपको अवेलेबल कराने अगर तीस से ज्यादा विमेन वर्कर्स हैं आपके ठीक है इजी क्वेश्चन इट्स एन ईजी क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ऑल्सो फॉलोइंग आर द इन्फॉर्मेशन ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी चलो भाई थोड़ा सा टैक्स कर लेते हैं टैक्सेशन के भी एक दो बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए वैल्यू है फेयर रेंटल वैल्यू वैल्यून है ठीक है तो हमारा रूल क्या होता है अलीशा होते होते हैं 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 जो जो पालने ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जिसमें बच्चों का ध्यान रखा जा सकता है केयर की जा सकती है ठीक है वो वुमेन वर्कर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है ठीक है म्यूनिसपल वैल्यू फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड है फेयर रेंटल वैल्यू फाइव लाख है ठीक है हायर ऑफ दिस हायर ऑफ दिस लेते हैं लेकिन सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट को आप ब्रीच नहीं कर सकते जो आपने सेट कर रखा है तो स्टैंडर्ड रेंट चार लाख अस्सी हजार है तो इन दोनों में से हायर ऑफ देखेंगे बट सब्जेक्ट टू फोर लाख एट्टी थाउजेंड तो ये हो जाएगा एक्चुअल रेंट कम है तो हमें हायर वैल्यू लेनी होती है तो एक्चुअल रेंट नहीं ले सकते सो फोर लैख एट्टी थाउजेंड इज गोइंग टू बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वंडरफुल अरुणा ठीक है चले आगे चले मुद्रा लिमिटेड हैज बीन द फंक्शनल सिंस एर्थ अप्रैल टू थाउजेंड फिफ्टीन वॉट इज मुद्रा मुद्रा कहते क्या है वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा चलिए जल्दी से बताइए मुद्रा क्या होता है वॉट इज वट आर वी टॉकिंग अबाउट मुद्रा के अंदर आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन आपको मजा आ रहा होगा ठीक है ये मैं उम्मीद करता हूं और बहुत कुछ सीखने भी मिल रहा होगा वी आर ऑन द वन नाइनटी सिक्स क्वेश्चन वेरी इजी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट और दी फाइनेंस रीफाइनेंस एजेंट माइक्रो यूनिट्स डेवलप्ड एंड रीफाइनेंस एजेंसी और इज इट माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट अवे इजी सा फॉर्मूला है यहाँ पे स्कॉलरशिप रिसीव बाय माइनर चाइल्ड कोई माइनर चाइल्ड है जो अठारह साल से कम का है अगर उसको कोई स्कॉलरशिप मिलती है लेट से एजुकेशन में लेट से कोई में तो वट इज गोना का क्वेश्चन है क्वेश्चन फ्रॉम टैक्सेशन उसके हैंड में आप एसेस करेंगे कितना टैक्स बन रहा है क्लब कर देंगे उस पेरेंट के अंदर जिसका इनकम ज्यादा है ठीक है दो पेरेंट्स हैं मदर एंड फादर जिसका इनकम ज्यादा है उसके साथ क्लब कर देंगे इंक्लूड कर देंगे एग्रीगेट कर देंगे कंप्लीटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स टू बी क्लब विद द इनकम ऑफ फादर या तो फिर फादर के इनकम में जोड़ देंगे कहां जोड़ेंगे चलिए जल्दी से बताइए वेरी इजी क्वेश्चन स्कॉलरशिप रिसीव हो रही भाई क्यों टैक्स लगाओगे कंप्लीटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स रन एंड ऑल अदर स्टूडेंट ऑल्सो ठीक है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड द फॉलोइंग नॉन टैक्सीबल एज इनकम अंडर द हेड सैलरी ठीक है बहुत बेसिक बेसिक सवाल उठाए मैंने टैक्सेशन के बहुत डिटेल में मत घुसिएगा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं इसमें से कौन सा सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा कमीशन रिसीव बाय फुल टाइम डायरेक्टर रेमोशन रिसीव बाय पार्टनर अलाउेंसेज रिसीव बाय इंप्लॉय फ्री अकोमोडेशन गिवन टू इंप्लॉय ठीक है लेट सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर यस नेहा इनकम भी नहीं है टेक्निकली बिल्कुल सही कहा आपने ठीक है सैलरीज के अंदर कौन सा टैक्सेबल नहीं होगा ठीक है कमीशन जो है ये सैलरी का पार्ट होता है आपको टैक्सेबल याद हो अगर रेमोनेशन बाय पार्टनर देखिए पार्टनर है ये ठीक है ना अलाउेंसेज बाय इंप्लाई जो भी उसको हाउस रेंट अलाउंस बाकी अलावेंसेज मिल रहे हैं फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है वो भी एचआरए के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा एज अ अलाउंस अलाउवेंस के अंदर सॉरी ठीक है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इट्स गोइंग टू बी बैकंड रेमोनेशन रिसीव बाय द पार्टनर नहीं लगता हिमांशु बिल्कुल टैक्स नहीं लगता अंडर सेक्शन टेन एक्ट है ठीक है वैसे भी जो जी आपको मिलती है वो अदरवाइज भी टैक्स के अंदर ही कंप्राइज हो जाती है पीके मैंने पहले भी आपको बताया था मैं दोबारा बता दे रहा हूं आई हैव नो प्रॉब्लम बैंकिंग का सेशन मैंने ऑलरेडी कंडक्ट किया हुआ है बैंकिंग इज अ प्योरली फैक्चुअल टॉपिक वो आप जितना पढ़ लेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा मैं एक्सप्लेन करने में टाइम लगाऊंगा तो वो ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि बैंकिंग में कुछ कंसेप्चुअल है ही नहीं सब कुछ याद करने का है no point wasting me time there, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं ठीक है एज पर फैक्ट्री एक्ट नंबर के तहत कितने घंटे आपको काम करना है छियालीस घंटे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये कुछ क्वेश्चन रिपीट किए मैंने फैक्चुअल वाले क्योंकि दे आर इंपॉर्टेंट थैंक यू सो मच आदिति

ट वगैरह लेके सब 87 के अंदर सेक्शन 87 के अंदर पांच लाख तक कोई भी टैक्स नहीं बनेगा आपका ठीक है चलो लेट्स हैव अ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ मिसकंडक्ट अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाइनटीन इसमें से कौन सा मिसकंडक्ट कंडक्ट कंसिडर किया जाता है एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ठीक है सिट डाउन स्ट्राइक स्लो डाउन स्ट्राइक सिंपैथेटिक स्ट्राइक या फिर अनऑफिशियल स्ट्राइक िस कंडक्ट इसको कहा जाता है जिसको स्ट्राइक ही कंसिडर नहीं किया जाता ठीक है चलिए जल्दी से बताइए वॉट शुड बी द करेक्ट आंसर लास्ट क्वेश्चन है जल्दबाजी मत करिए रीड इट केयरफुली मिस कहा जा रहा है ठीक है आदित्य देखिए सेवेंटी टू एटी परसेंट क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कुछ क्वेश्चन बाउंसर जरूर मिलेंगे जिसकी ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं बट वो आपको इंपैक्ट नहीं करने वाली हैं ठीक है अस्सी क्वेश्चन भी अगर आपको आते हैं एट्टी परसेंट क्वेश्चन भी और एक खुशी खुशी ठीक है स्लो डाउन स्ट्राइक स्लो डाउन स्ट्राइक को क्यों कहा जाता है इज इट कॉल्ड एज मिसकंडक्ट क्योंकि आप स्ट्राइक भी नहीं कर रहे हैं रेदर आप मिसकंडक्ट कर रहे हैं आप धीरे धीरे प्रोडक्शन कर रहे हैं यू आर मेकिंग इट वेरी स्लो ठीक है मिस कॉन्डक्ट स्लोडाउन को कहा जाता है अनऑफिशियल तो इलीगली हो गई कि भाई आपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किएफिशियली स्लो डाउन स्ट्राइक है स्ट्राइक बिकॉज इसको नहीं कहा जाता आप नुकसान कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का स्पीड स्लो करके बता भी नहीं रहे उनको क्योंकि स्लो डाउन में इंफॉर्मेशन नहीं होती है आप शांति से अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्लो कर देते हैं ठीक है तो सेकंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर आई होप यू आर वेरी क्लियर आपको सेशन पसंद आया हो क्लियर हो सकता है प्रोवाइडेड यू आर वेरी क्लियर विद विदेप्ट कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है ठीक है चलो सेकंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर आई होप यू इंजॉय द सेशन दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन 200 क्वेश्चन बिल्कुल टाइम पे 8 बजे खत्म हो गए हैं एंड देयर इज अनदर सेशन एट 8 ठीक है अदिति कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिक बेसिक रिवीजन कर लीजिए बेसिक बेसिक पढ़ाई कर लीजिए ठीक है यस yes, स्नेहा बिल्कुल स्ट्राइक हो रही है और पता भी नहीं चल रहा है ठीक है चलो डेट वॉज ऑल फॉर टूडे जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए कोई और फीडबैक है प्लीज लेट मी नो शालिनी ऑल माई ब्लेसिंग ऑल माई मोटिवेशन देयर विद ऑल ऑफ यू ठीक है चलो थैंक यू सो मच एवरी वन दैट वॉज ऑल फॉर टूडे थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे आई हैव टू रैप द सेशन नाव अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता दीजिएगा टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा सिंस देर इज अनदर सेशन एट एट देयर फॉर आई है

बहुत ज्यादा आप सब लोग भी टायर्ड हो गए होंगे ठीक है चलो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अस डे टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ ब बाय गुड नाइट टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग कीप प्रैक्टिसिंग ब बाय एंड टेक केयर